कारगर तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं आपका रीजनिंग का टीचर रवि तिवारी। कैसे हैं आप लोग? रीजनिंग और करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है और इसी क्रम में जो है लोअर पीसीएस का जो क्रैश कोर्स आपका चलने वाला है उसी क्रम में डेली हम लोग आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज उसी श्रृंखला का अगला भाग लेके मैं फिर आपके सामने हूँ रीजनिंग की क्लास के साथ। कल तक हम लोगों ने रैंकिंग और डाइस के कुछ सवाल पढ़े थे, आज मैं आपको एक विशेष टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूँ जहाँ से हम देखते हैं कि खूब सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन वो भी कभी कभी पूछे जाते हैं, जिसको आप कहते हैं मिसिंग अल्फाबेट लेटर सीरीज। सीरीज अगर हम लोग देखें तो सीरीज जो है हमेशा आपसे पूछी जाती है अलग अलग तरीके से। कहीं मैथमेटिकल सीरीज आपसे पूछी जाती है जहां पे मैथमेटिकल सीरीज के सवाल आपके गलत होते हैं, वही एक अल्फाबेटिकल सीरीज भी आपसे पूछी जाती है जहां पर ए ए बी बी सी सी करके होते हैं, बीच में खाली स्थान होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मिसिंग अल्फाबेट लेटर सीरीज। मिसिंग अल्फाबेट लेटर सीरीज को इस समय अगर हम लोग देखें तो आपका हल करने के लिए आपके पास केवल एक ही तरीका होता है कि आप ऑप्शन से सवाल को हल करते हैं। लेकिन अगर मैं हम लोग इनके पांच तरीकों को सीख जाए, इसके पांच ऐसे तरीके होते हैं जिसको अगर हम लोग सीख जाए तो मिसिंग अल्फाबेट लेटर सीरीज का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा और ये बहुत आसान तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं मिसिंग अल्फाबेट लेटर सीरीज को। तो आइए प्रारंभ करते हैं मिसिंग अल्फाबेट लेटर सीरीज का ये हिस्सा और यहां से शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो क्रैश कोर्स चल रहा है और जल्द ही जो है इसके बारे में पूरी जानकारियां आपको दी जाएंगी, लगातार क्लासेज हो रही है, आज भी शाम को एक क्लास आई हुई है और उसके बाद इस समय भी मैं आपके सामने एक क्लास के साथ मौजूद हूं। एक क्लास के तीन हिस्से होते हैं, तीन विषयों के बारे में आपको बताया जाता है। बारी बारी से टीचर बदलते रहते हैं, जीएस के टीचर लगातार बदल रहे हैं जिससे आप सभी से रूबरू हो सके। आइए मिसिंग अल्फाबेट लेटर सीरीज को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मिसिंग अल्फाबेट लेटर सीरीज के कुछ सवालों को मैं आपको बताता हूं और मैं इसके पैटर्न को समझाता हूं कि इनके पांच पैटर्न को आपको कैसे समझना है। आइए जैसे यहां पर आप लोग एक सवाल देख रहे हैं, आइए यहां पर आप लोग एक सवाल देख रहे हैं इस क्रम में ए सी बी सी ए। जब पेपर में आप ऐसे सवालों को लगाते हैं तो आपके पास लगाने के लिए केवल एक ही चीज होती है कि आप ऑप्शन से इसको चेक करते हैं, लेकिन इसको पहचानना बहुत आसान है। देखिए इस श्रृंखला को गौर से देखिए, 25 मिनट आप मुझको अच्छे से सुनिए, सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी। आज के बाद मैं वादा करता हूं इसका सवाल कहीं भी आपका गलत नहीं होगा, ऐसा मेरा आपसे वादा है। आप देख लीजिए, एक बार आप इसको समझ लीजिए। देखिए ऐसे जैसे लिखा है, दो अक्षर है, फिर तीन अक्षर है, फिर तीन अक्षर है, फिर चार अक्षर है, फिर दो अक्षर है, फिर एक अक्षर। ऐसी श्रृंखला को हम कहते हैं अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला। अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला क्या कहते हैं, नाम क्या है, अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला। इसको हल करना बहुत आसान है। अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला की पहचान ये होती है कि इसमें जो अक्षरों के समूह होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यही कहा दो है, फिर तीन है, फिर तीन है, फिर चार हो गए, फिर दो हो गए, क्लियर। लेकिन इस श्रृंखला की खास विशेषता ये होती है कि इसमें एक समूह सबसे बड़ा होता है। अक्षरों के असमान समूह वाली श्रृंखला की एक खास बात यह होती है कि इसका जो एक समूह होता है वो एक समूह इसका सबसे बड़ा होता है। क्या होता है बताइए, एक समूह सबसे बड़ा होता है। क्लियर, हमें श्रृंखला को हल करने के लिए क्या करना होता है, हम सबसे बड़े समूह का चुनाव करते हैं। हम श्रृंखला के सबसे बड़े समूह का चुनाव करते हैं, जैसे हमने ले लिया सी बी बी सी, और श्रृंखला के प्रारंभ से जहां से वो समूह हमें मिल रहा होता है हम श्रृंखला के प्रारंभ से उस समूह को भर देते हैं। जैसे हमारा समूह क्या है, सीबीबीसी, तो ये देखिए समूह हमें यहां से मिलना शुरू हुआ तो हम इस समूह को पूरा कर देंगे सीबीबीसी। तो यहां पे सी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब अगर हम यहां बी भर दें और ये बी पहले से लिखा हुआ है और सी लिखा हुआ है, ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी सीबीबीसी, ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी। फिर सुन लीजिए, सबसे बड़े समूह का चुनाव करते हैं और श्रृंखला के प्रारंभ से जहां से वो समूह मिलता है वहां से उस समूह को भरकर श्रृंखला को क्या कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं। तो यहां पे लिखा है सी बी बी सी, हमने श्रृंखला को भर दिया, अब ये श्रृंखला पूर्ण हो गई ए सी बी बी सी। अब यहां से फिर इसको ले लीजिए ए सी बी बी सी, और फिर देखिए ए सी बी बी सी और ए सी बी बी सी, और श्रृंखला आपकी क्या हो गई, पूर्ण हो गई। एक सीक्वेंस आपको मिल जाएगा यहां से ए सी बी बी सी ए सी बी बी सी ए सी बी बी सी। फिर से समझ लीजिए एक बार, असमान समूह वाली श्रृंखला हम लोग इसको कहते हैं, हल करना बहुत आसान है।
श्रृंखला के सबसे बड़े समूह का चुनाव करते हैं, श्रृंखला में जहां से वो समूह मिल रहा होता है वहां से वो समूह भर देते हैं। जैसे समूह है सी बी बी सी, कहां से मिल रहा है, सी से शुरुआत करिए, सी बी बी सी, फिर ए सी बी बी सी, फिर देखिए अब देखिए ए सी बी बी सी, फिर रिपीटेशन हुआ ए सी बी बी सी, फिर रिपीटेशन हुआ ए सी बी बी सी, फिर ए सी बी बी सी, और श्रृंखला आपकी क्या हो जाएगी बताइए, पूर्ण हो जाएगी। श्रृंखला क्या हो जाएगी आपकी बताइए, पूर्ण हो जाएगी। क्लियर है? आइए अब इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए मैं अगला सवाल एक आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दूं, पहचानिए इसको पहले। पहचानिए, चलिए श्रृंखला का यह हिस्सा आप पहचानिए। तो सबसे पहले कैसे पहचानेंगे, तीन 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 और पांच और एक, तो सबसे पहले तो पहचान लिया कैसी श्रृंखला है, तो आपने कहा सर असमान समूह वाली श्रृंखला है। कैसी श्रृंखला है, असमान समूह वाली श्रृंखला है, असमान समूह वाली श्रृंखला है। एक तो ये बात हो गई असमान समूह वाली श्रृंखला है। दूसरी बात, अब असमान समूह वाली श्रृंखला है तो आप उसको हल कर दीजिए, उत्तर क्या होगा, कौन सा समूह सबसे बड़ा है, यह समूह सबसे बड़ा है ए सी सी बी बी, कौन सा समूह सबसे बड़ा है, दूसरा समूह सबसे बड़ा है तीसरा ए सी सी बी बी। अब देख लीजिए ये समूह श्रृंखला में कहां से मिलता है, तो बात के दो अक्षर तो यहां पर दिख रहे हैं, पहले तीन अक्षर अगर हम भर दें तो समूह पूरा हो जाएगा ए सी सी बी बी, ए सी सी बी बी, और यहां से फिर इसको फिर ले लीजिए ए सी सी बी बी, फिर देखिए ए सी सी बी बी, और फिर ए सी सी बी बी, और ए सी सी बी बी, और श्रृंखला क्या हो गई, पूर्ण हो गई। श्रृंखला क्या होगी बताइए, पूर्ण हो गई। क्लियर? तो कुछ नहीं करना है, असमान समूह वाली श्रृंखला में हमें क्या करना है, सबसे बड़े समूह का चुनाव करना है। ध्यान रखिएगा पहला टाइप था ये आपका असमान समूह वाली श्रृंखला, सबसे बड़े समूह का चुनाव करना है, और श्रृंखला के प्रारंभ से जहां से वो समूह प्राप्त हो रहा है वहां से उस समूह को भर के श्रृंखला को पूर्ण कर देना है, श्रृंखला को क्या कर देना है, पूर्ण कर देना। क्लियर? उम्मीद है इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। आइए अब अगले प्रकार की श्रृंखला पे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये श्रृंखला जो आपके सामने है दूसरे प्रकार की, अब गौर से देखिए आप इसको, हम लोग कहीं से भी अब इसको पहचानिए पहले, क्या ये पहले टाइप की श्रृंखला हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि यहां पे अक्षरों के सभी समूह समान है, यहां पर अक्षरों के सभी समूह समान है, और वहां पर क्या होता था बताइए, सभी समूह असमान होते थे या एक समूह सबसे बड़ा होता था, यहां पर अक्षरों के सभी समूह क्या है, समान है, तो इस प्रकार की श्रृंखला को कहते हैं अक्षरों के समान समूह वाली श्रृंखला, समान समूह वाली श्रृंखला कहते हैं, समान समूह वाली श्रृंखला। क्या पहचान है श्रृंखला को हल करने की, वो भी देख लीजिए। देखिए समान समूह वाली श्रृंखला जब हो अक्षरों के जिसमें सभी समूह समान हो, बहुत आसान है, आप राइट हैंड साइड सबसे राइट में, राइट हैंड साइड में उपस्थित अक्षरों के समूह को ले लीजिए, और बिना देखे जो आपने समूह लिया है श्रृंखला के प्रारंभ से जहां से रिक्त स्थान मिलता है उस समूह को भर दीजिए। राइट हैंड साइड में उपस्थित अक्षरों के समूह को ले लीजिए और श्रृंखला के प्रारंभ से जहां से रिक्त स्थान मिलता है उस समूह को भर दीजिए, श्रृंखला आपकी पूरी हो जाएगी। जैसे आपने क्या चुना सी बी ए, आप भर दीजिए सी बी ए, भरने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी भरा है, आप देखिए श्रृंखला पूरी हो गई। बी ए सी सी, बी ए सी सी भर दीजिए, बी ए सी सी, बी ए सी सी, और बी ए सी सी, श्रृंखला आपकी पूरी हो गई, श्रृंखला आपकी पूरी हो गई। क्लियर? फिर समझ लीजिए, इस प्रकार की श्रृंखला को हम कहते हैं अक्षरों के समान समूह वाली श्रृंखला। पहले से अलग है, पहले से क्यों अलग है, क्योंकि पहले में क्या था, अक्षरों के समूह असमान होते थे, एक समूह सबसे बड़ा होता था, इसमें अक्षरों के सभी समूह क्या है बताइए, समान है, और समान समूह वाली अगर श्रृंखला है तो इसको बताइए यहां से ले लेते हैं, कहां से, यहां से, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, बी ए सी। अगर देखिए राइट हैंड साइड के समूह को ले लीजिए सी बी ए, राइट हैंड साइड के समूह को लेके श्रृंखला के प्रारंभ से जहां से रिक्त स्थान मिलता है इसको भर देंगे तो बताइए क्या हो गया, सी बी, अब इसको भरने की जरूरत नहीं है, बी ए सी सी, बी ए सी सी, बी ए सी सी, बी ए सी सी, और बी ए सी सी, और श्रृंखला आपकी क्या होगी बताइए, पूर्ण होगी। जैसे मान लीजिए मैं इसी प्रकार का अगर एक प्रश्न आपको हल करने के लिए दूं, मैं कहूं ये श्रृंखला है, तो पहले तो पहचानना है, और अगर आपने पहचान लिया तो श्रृंखला आपके लिए आसान हो गई।
केवल पहचानने भर की जरूरत है। अगर आपने पहचान लिया तो श्रृंखला आपके लिए आसान होगी। तेजी से बताएं क्या होगा, बताओ तेजी से बताएं क्या होगा। तो KLNT NTT के अब बताओ, समान समूह वाली श्रृंखला है, कैसी है बताओ, समान समूह वाली श्रृंखला है। अगर समान समूह वाली श्रृंखला है तो राइट हैंड साइड के समूह को लेके जहां से रिक्त स्थान मिलता है भर दीजिए, क्या है बताओ, TKLN, तो भर दीजिए TKLN। अब देखिए KLNTT, तो KLNTT, फिर KLNTT और श्रृंखला पूरी हो गई। KLNTT श्रृंखला पूरी हो गई, बहुत आसान है, पहचान लिए तो कभी सवाल गलत नहीं होगा। राइट हैंड साइड के समूह का चुनाव कर लीजिए और श्रृंखला के प्रारंभ में जहां से रिक्त स्थान मिलता है उस श्रृंखला को क्या कर दीजिए, भर दीजिए। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? आइए अगला प्रश्न है आपका ये। अब देखिए तीसरे टाइप पर आ गए हम। अब आप पहले पहचान के बताइए कि ये टाइप पहला हो सकता है कि दूसरा, गौर से देखिए। तो ना तो ये टाइप पहला हो सकता है और ना ही ये टाइप दूसरा हो सकता है, क्योंकि पहले टाइप की विशेषता क्या होती थी कि अक्षरों का एक समूह सबसे बड़ा होता था और सभी समूह असमान होते थे। यहां पर अक्षरों के दो समूह सबसे बड़े हैं। असमान समूह वाली श्रृंखला की विशेषता क्या होती है कि अक्षरों का एक समूह सबसे बड़ा होता था और यहां पर क्या है, अक्षरों के दो समूह सबसे बड़े हैं, तो यह असमान समूह वाली श्रृंखला नहीं हो सकती। और समान समूह वाली श्रृंखला भी नहीं हो सकती क्योंकि अक्षरों के सभी समूह समान है नहीं। तो अगर ऐसा टाइप हो तो इसको हम तीसरे टाइप में डालते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, बताइए, अक्षरों के चक्रीय क्रम वाली श्रृंखला, या इसको हम कहते हैं साइक्लिक सीरीज। अक्षरों के चक्रीय क्रम वाली श्रृंखला, या इसी को हम कहते हैं साइक्लिक सीरीज। चक्रीय क्रम वाली श्रृंखला, इसी को हम कहते हैं साइक्लिक सीरीज। अगर ये हमारी साइक्लिक सीरीज है यहां पर, तो कैसे हमें इसको हल करना है बताइए, गौर से देखिए। साइक्लिक सीरीज को हल करने की बड़ी आसान प्रक्रिया है। सबसे पहले हम देखते हैं अक्षरों में कुल कितने प्रकार के, श्रृंखला में कुल कितने प्रकार के अक्षर हैं। वैरायटी ऑफ लेटर्स को सबसे पहले देखते हैं, तो श्रृंखला में कितने प्रकार के अक्षर हैं, चार प्रकार के अक्षर हैं, कौन कौन से, P, Q, R और S। P, Q, R, S, और जितने प्रकार के अक्षर हो उतने के ही बराबर भागों में श्रृंखला को बांट लीजिए। अगर चार प्रकार के अक्षर हैं, 1, 2, 3, 4, चार के भाग में 1, 2, 3, 4, फिर चार के भाग में 1, 2, 3, 4, फिर चार के भाग में और फिर चार के भाग में, और जिस समूह में जो अक्षर ना हो उन चारों में से, भर दीजिए, श्रृंखला पूरी हो जाएगी। जैसे यहां पर क्यू नहीं है, P Q R S, QR यहां पर S नहीं है, QR SP, RSPQ SPQR, और श्रृंखला आपकी क्या हो गई, पूरी। तो टाइप थर्ड जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अक्षरों के चक्रीय समूह वाली श्रृंखला। क्या कहते हैं, फिर से समझिए, चक्रीय समूह वाली श्रृंखला। सबसे पहले इसको चक्रीय समूह वाली श्रृंखला कहते हैं। पहले आपको यह देखना है पहले और दूसरे समूह में क्यों नहीं है। एक समूह सबसे बड़ा होता तो वह सभी समूह असमान होते तो पहले प्रकार में आती असमान समूह में, सभी समूह समान होते तो दूसरे प्रकार में आती समान समूह में। अब असमान नहीं है, समान है, तो तीसरे टाइप में आई चक्रीय। कुछ नहीं करना है चक्रीय समूह में, केवल ये देख लीजिए श्रृंखला में कितने प्रकार के अक्षर आपको दिख रहे हैं। चार प्रकार के वैरायटी ऑफ लेटर्स हैं, जितने प्रकार के अक्षर हैं उतने के ही बराबर भागों में बांट दीजिए। तो चार चार के बराबर भागों में बांट दिया। अब जिस भाग में जो अक्षर अनुपस्थित था उसको क्या कर दिया, भर दिया। क्लियर? और यहां पर PQRS QRSP RSPQ SPQR। क्लियर है, हो गया। अब एक सवाल ऐसे ही आपको भी देता हूं, चलिए। जैसे यहां पर एक प्रश्न है आपका, चलिए ये एक प्रश्न है, चलिए। अब देखिए टाइप वन में क्यों नहीं है आप बताइए, क्योंकि एक समूह सबसे बड़ा नहीं है, दो समूह समान है। एक अक्षरों का समूह सबसे बड़ा होता तो टाइप वन में हो जाता असमान समूह। टाइप टू में क्यों नहीं है, क्योंकि सभी समूह समान नहीं है।
तो जब टाइप वन में नहीं है, टाइप टू में नहीं है, तो टाइप थ्री में हो गया चक्रीय क्रम वाली संक्रमण। अभी देख लीजिए कितने प्रकार के अक्षर दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर तीन प्रकार के अक्षर दिख रहे हैं, ए बी और सी। अगर तीन प्रकार के अक्षर हैं तो तीन के बराबर क्रम में इसको क्या कर दीजिए, बांट दीजिए, तीन 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 तीन। अब गौर से देखिए जिस समूह में जो अक्षर नहीं है भर देंगे, ए बी सी बी सी ए, ए बी सी बी सी ए, ए बी सी बी सी ए, श्रृंखला पूरी हो गई, एक सीक्वेंस बन गया आपका, ए बी सी बी सी ए, ए बी सी बी सी ए, ए बी सी बी सी ए और ए बी सी और बी सी ए, और श्रृंखला पूरी हो गई। तीसरा टाइप ये था, दो टाइप और पढ़ ले तो ये सवाल ही गलत होना आज से बंद हो जाए, क्लियर। तो मैं मान के चल रहा हूं कि यहां तक समझ में आ गया। अब चौथे टाइप पर जब आए हम लोग, देखिए ये जो श्रृंखला है, अब पहले ये बताइए कि पहले दूसरे और तीसरे और चौथे प्रकार की हुई क्यों नहीं। जैसे मान लीजिए श्रृंखला को लिया, तो पहले प्रकार की क्यों नहीं है, पहले पहचानिए, पहचान लिए तो सर होगा, क्योंकि एक समूह सबसे बड़ा नहीं है, दो समूह सबसे बड़े, पहले प्रकार की नहीं हुई। दूसरे प्रकार की क्यों नहीं हुई, क्योंकि सभी समूह समान नहीं है। तीसरे प्रकार की क्यों नहीं हुई, क्योंकि साइक्लिक सीरीज में कभी ट्रिपलिंग और डबलिंग नहीं हो सकती, चक्रीय क्रम की जो श्रृंखला होती है उसमें ट्रिपलिंग और डबलिंग नहीं हो सकती, तो तीसरे प्रकार की भी नहीं हुई, तो इसको हम चौथे प्रकार की श्रृंखला कहते हैं। इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग लेटर पैटर्न सीरीज, अक्षरों के बढ़ते हुए क्रम वाली श्रृंखला। क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग लेटर पैटर्न सीरीज, अक्षरों के बढ़ते हुए क्रम वाली श्रृंखला। तो इस श्रृंखला की एक खास विशेषता क्या होती है कि इसमें दो ही प्रकार के अक्षर होते हैं, इसमें केवल दो अक्षर होते हैं, जिसमें से एक अक्षर की बारंबारता, एक अक्षर की जो बारंबारता मतलब बार बार आने की प्रवृत्ति है, वो अधिकतम होती है। क्या होती है, अधिकतम। और दूसरे अक्षर की जो बारंबारता है, दूसरे अक्षर की जो बारंबारता है वो न्यूनतम होती है, न्यूनतम होती है। इस श्रृंखला की पहचान क्या है, इसमें केवल दो ही प्रकार के अक्षर होते हैं और एक अक्षर की बारंबारता अधिकतम होती है और दूसरे अक्षर की बारंबारता क्या होती है बताओ, न्यूनतम होती है। हमें करना क्या है, न्यूनतम बारंबारता वाले अक्षर को, जैसे अब इसमें दो ही अक्षर है, कौन, ए और बी, तो अधिकतम बारंबारता वाला अक्षर कौन सा है, ए, और न्यूनतम बारंबारता वाला अक्षर कौन सा है, बी। तो हमें क्या करना होता है, न्यूनतम बारंबारता वाले अक्षर को श्रृंखला के प्रारंभ से पहले रिक्त स्थान से भर देते हैं, तो न्यूनतम बारंबारता वाला अक्षर बी है, तो यहां पर भरा बी, तो एक ए के साथ बी, फिर दो ए के साथ बी और तीन ए के साथ बी। गौर से देखिए, न्यूनतम बारंबारता वाले अक्षर को श्रृंखला के प्रारंभ से जब आप भरेंगे तो एक ए के साथ बी, दो ए के साथ बी, तीन ए के साथ बी, तो अब हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है, चार ए के साथ बी, और फिर हमारा कॉमन सेंस क्या कहता है, पांच ए के साथ बी, और श्रृंखला पूरी हो गई। तो चौथे प्रकार की श्रृंखला जो पहले प्रकार की क्यों नहीं थी बताया, दूसरे प्रकार की क्यों नहीं हुई, तीसरे प्रकार की क्यों नहीं, तो चौथे प्रकार की श्रृंखला को कहते हैं अक्षरों के बढ़ते हुए क्रम वाली श्रृंखला। और इसको हल कैसे करते हैं बताइए, दो प्रकार के अक्षर होते हैं, एक अक्षर की बारंबारता अधिकतम होती है और एक अक्षर की बारंबारता न्यूनतम होती है। न्यूनतम बारंबारता वाले अक्षर को श्रृंखला के प्रारंभ से पहले ही रिक्त स्थान से, पहले ही रिक्त स्थान से क्या करते हैं बताइए, पहले ही रिक्त स्थान से न्यूनतम बारंबारता वाले अक्षर को भरते हैं। जैसे बी न्यूनतम बारंबारता वाला अक्षर था, एक ए के साथ बी, दो ए के साथ बी, तीन ए के साथ बी, फिर चार ए के साथ बी और फिर पांच ए के साथ बी हो जाएगा, क्लियर है, पांच ए के साथ यहां पर बी हो जाएगा, अक्षर पूरा हो जाएगा। अब सबसे अंत में जब हम लोग आते हैं तो आपका ये लास्ट पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं क्लोज वैरायटी टेस्ट सीरीज। और मेरे ख्याल में श्रृंखला का जो ये जो पैटर्न है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है और सबसे कठिन होता है, क्योंकि इस श्रृंखला को आप ऑप्शन से भी चेक नहीं कर पाते हैं और सवाल आपके गलत हो जाते हैं। पहले हमें ये देखना है ये पहले दूसरे तीसरे और चौथे प्रकार की क्यों नहीं हुई। देखिए पहले प्रकार की ये क्यों नहीं हुई, क्योंकि आप देख रहे हैं कि श्रृंखला में दो समूह सबसे बड़े हैं, एक समूह सबसे बड़ा नहीं है। दूसरे प्रकार की क्यों नहीं हुई, क्योंकि सभी समूह समान नहीं है।
तीसरे प्रकार की क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने बताया है कि साइक्लिक सीरीज में डबलिंग नहीं हो सकती और यहां पे रिपीटेशन है, तो तीसरे प्रकार की नहीं हो सकती। चौथे प्रकार की क्यों नहीं हुई? क्योंकि चौथे प्रकार की श्रृंखला में केवल दो ही अक्षर होते हैं और यहां पे तीन अक्षर दिख रहे हैं। तो अगर ये पहले प्रकार की नहीं है, दूसरे प्रकार की नहीं है, तीसरे प्रकार की नहीं, चौथे प्रकार की नहीं, तो ये पांचवें प्रकार की श्रृंखला है जिसको हम कहते हैं क्लोज वैरायटी टेस्ट सीरीज। क्या कहते हैं? क्लोज वैरायटी टेस्ट सीरीज। कैसे हल करते हैं इसको? देखिए, इस श्रृंखला की दो पहचान होती है। सबसे पहले, इस श्रृंखला में अक्षरों की संख्या हमेशा सम होती है और श्रृंखला का पहला और अंतिम अक्षर एक समान होता है। पहला और अंतिम अक्षर एक समान होता है, एक समान होता है। पहचान लीजिए, आप ऐसे पहचाने तो ज्यादा बेहतर है कि ना तो पहले प्रकार की, ना तो दूसरे प्रकार की, ना तो तीसरे प्रकार की, इसलिए कौन से प्रकार की हो, ना तो चौथे प्रकार की, तो कितने प्रकार की? पांचवें प्रकार की। अब देखिए, पहला और अंतिम अक्षर एक समान, ठीक मध्य का अक्षर युग्म एक समान और अक्षरों की संख्या सम। और सॉल्व कैसे करते हैं? पहले अक्षर को ले जाके अंतिम अक्षर से मिला देते हैं, दूसरे अक्षर को यहां से ले आके यहां पर रखते हैं तो दूसरे अंतिम अक्षर से, तीसरा अक्षर यहां से आएगा तो वो यहां आएगा तीसरे अक्षर से, चौथा अक्षर यहां से आएगा तो वो चौथे से मिल गया, पांचवा अक्षर यहां से आएगा तो वो पांचवें से मिलेगा, छठवां अक्षर यहां से आएगा तो छठवें से मिलेगा, सातवां अक्षर यहां से आएगा तो सातवें से मिलेगा, आठवां अक्षर यहां से आएगा तो आठवें से मिलेगा, और ये आपका पेयर बन जाएगा ठीक मध्य का अक्षर और श्रृंखला पूरी हो जाएगी। इसको हम लोग कहते हैं क्लोज वैरायटी टेस्ट सीरीज। क्या करते हैं? क्लोज वैरायटी। अक्षरों की संख्या समान सम, पहला और अंतिम अक्षर एक समान और ठीक मध्य का अक्षर भी क्या होता है? एक समान। अगर इन पांच प्रकार की श्रृंखलाओं को हमने जज कर लिया, हम इनको पहचानना सीख गए, तो हमारा ये वाला जो सवाल होता है कभी भी पेपर में गलत नहीं होता, क्योंकि लगभग सवाल आपके इन्हीं पांच पैटर्न्स पर आधारित होते हैं या इन्हीं पांच पैटर्न्स के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, तो आज मेरी तरफ से इतना ही। अब आप सीरीज के कहीं से भी सवाल उठा के मिसिंग अल्फाबेट लेटर सीरीज के 50 सवाल अगर हल कर लेंगे तो ये समस्याएं आपकी यहां से समाप्त हो जाएंगी। इस टॉपिक से आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। रीजनिंग को बस के बस समझने की जरूरत है। रीजनिंग में आप 50 में से 50 प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यही एकमात्र ऐसा विषय है जो जबरदस्त स्कोरिंग है, बिना टाइम टेक किए हुए हम इसको आराम से हल कर सकते। तो आज के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी क्लासेज आपकी शुरू होने वाली है। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। टारगेट आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में मैं शेखर पांडे इतिहास विषय के साथ। और कैसे आप सारे लोग? उम्मीद करता हूं रोज की तरह बहुत अच्छे होंगे। देखें, संस्था की ओर से ये लोअर पीसीएस की जो परीक्षा होने वाली है उसको लेकर के क्रैश कोर्स आयोजित की जा रही है। 45 दिवसीय ये आपका क्रैश कोर्स है और उसी संदर्भ में आप पिछले 3-4 दिनों से लगातार देख रहे हैं कि आपके सामने क्लासेस आपको रेगुलर मिल रही हैं। और उसी कड़ी में आज मैं शेखर पांडे आपके साथ इतिहास विषय लेकर के आया हूँ। मित्रों, ये जो क्रैश कोर्स है, ये इस क्रैश कोर्स का महत्व क्या है, कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि इम्पोर्टेंस क्या है। देखें, ये जो संस्था की ओर से क्रैश कोर्स आयोजित किया जा रहा है, पहली बात तो आप ये समझ लें कि ये अंधेरे में तीर चलाने वालों के लिए नहीं है। अंधेरे में ऐसे लोग जो सिर्फ इधर उधर कुछ भी मिल जाए पढ़ना शुरू करें, उनके लिए ये कोर्स नहीं है। ये कोर्स सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो वास्तव में जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं और परीक्षा पास कर जाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए है। तो ऐसे सारे लोग जो भी ईमानदारी दिखा रहे हैं, आप में से अधिकांश लोगों ने अभी तक एक ना एक बार, एक दो बार जो भी आपने अपना जो भी कोर्स, जो भी सब्जेक्ट्स हैं लोअर पीसीएस को लेकर के, आपने एक दो बार जरूर अभी तक निपटा लिया होगा, तैयार किया होगा। तो समस्या क्या आती है कि आपने तो बहुत सारी तैयारियां की हुई हैं, आप एक विद्यार्थी हैं और आपके सामने बहुत सारी चीज आ जाती हैं, आप सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे मॉडल पेपर इधर उधर से सॉल्व करते हैं, तो क्या आप एकदम से सटीक गाइडलाइन के साथ, सटीक मार्गदर्शन के साथ आप निश्चित दिशा में चल रहे हैं?
आपके जो लोअर परीक्षा है क्या बिल्कुल डंके की चोट पे आप परीक्षा पास करने जा रहे हैं, इन्हीं सारी बातों को लेकर के कुछ डिस्कस करूंगा और कुछ मुद्दों से संबंधित बातें भी हम देखेंगे। देखो पहली बात है कि ये जो लोअर पीसीएस की हमारी क्रैश कोर्स संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो इसको लेकर के इसका महत्व क्या है, शुरू करते हैं यहीं से। पहली बात ये कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, किसी भी परीक्षा की कोई व्यक्ति तैयारी शुरू करता है तो सबसे पहले कुछ उसके जहन में प्रश्न आते हैं, जैसे हमें क्या पढ़ना है। कुछ बेसिक बातें बताता हूं, क्या पढ़ना है। अगर इन बेसिक जो भी प्रश्न हैं आपने उन पे पकड़ बना लिया तो आपको निश्चित दिशा मिल जाती है, और उसके बाद जो चौथे और पांचवें नंबर पे मैं यहां पे बातें रखूंगा अगर वो आप काम कर लेते हैं सुनिश्चित हो जाएगा कि आप परीक्षा पास करने जा ही रहे हैं। दूसरी बात कि कैसे पढ़ना है, कैसे किसी भी चीज की तैयारी करनी है, कंपटीशन की परीक्षा आप दे रहे हैं तो आपके पढ़ाई का स्वरूप क्या होता है। हर विषय की तैयारी अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे अगर जीएस की बात किया जाए तो मैंने पहले भी बहुत सारी बातें बताई हुई हैं स्टडी संबंधी कि आपको जीएस याद ही होना चाहिए। आपको जीएस समझने की चीज नहीं है, एक दो बार पढ़ने की चीज नहीं होती है, ये सीधे सीधे याद करने की चीज होती है। अगर आप गणित और रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे अब रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। जो फॉर्मूलेज हैं, जो ट्रिक्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। आपने देखा भी होगा रवि सर और संदीप सर कितने अच्छे तरीके से आपको डील कर रहे हैं, वहां पे ट्रिक्स की जरूरत होती है। परीक्षा में प्रश्न आपने देखा भी है कि यूपी ट्रिपल एससी संस्था आयोजित कराएगी, और यूपी ट्रिपल एससी के वर्तमान में जो भी कुछ परीक्षाएं हुई हैं कितने बड़े बड़े से प्रश्न आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, और जिनको पुराने ढर्रे पे चलने की आदत है उनके लिए तो वास्तव में मुश्किल भरा हो गया पेपर। लेकिन ट्रिक्स की जरूरत होती है, शॉर्ट तरीके की जरूरत होती है, और सारी चीजें आपने देखा भी है। तो हर विषय से संबंधित तरीके अलग अलग होते हैं पढ़ने के। तीसरी बात, कहां से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट में आपके किसी मित्र ने बता दिया कि यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये किताब बहुत अच्छी नहीं आई है, और आप गए आंख मूंद करके बस खरीद लिया और शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। आपको कभी भी किसी भी परीक्षा की तैयारी करनी होती है तो पहले तो एक घेरा बनाना पड़ता है, अपने आप को संतुलित करने की जरूरत होती है कि इस बार इस परीक्षा के लिए मेरी सीमा रेखा यह है और इसी को हम 5 बार 10 बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। किसी एक चीज को 5 बार पढ़ना वो ज्यादा अच्छा होता है, आप में से सारे लोग इस बात को समझते होंगे, न कि किसी 5 किताब को उठाएं और एक एक बार ही सिर्फ पढ़ें। एक ही किताब को 5 बार, एक ही नोट्स को 5 बार अगर आप करते हैं तो आप बहुत अच्छी तैयारी की दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। चौथी बात, रिवीजन। रिवीजन का महत्व बहुत ज्यादा है परीक्षा में। रिवीजन का महत्व परीक्षा में, चाहे लोअर पीसीएस का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे जो भी इसके पैरेलल परीक्षाएं हो, रिवीजन का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अगर आपने रिवीजन किया हुआ है तो आपके लिए फिर टेस्ट देना बड़ा ही आसान हो जाता है, और जैसा कि आपको पहले से ही बताया गया है संस्था की ओर से, लास्ट 5 दिन में, अंतिम 5 दिन में कुल 10 टेस्ट कराए जाएंगे, तो ये टेस्ट की एक सीरीज आपके सामने लाई जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पहले से सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपने रिवाइज किया हुआ है, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका मूल्यांकन होता है और लास्ट में जाकर के आपका रिजल्ट सुनिश्चित होता है यहां पे। ये कुछ बेसिक बातें थी जो मुझे लगा कि मैं खुद आपको बताऊं, और इस लोअर पीसीएस के इस क्रैश कोर्स बैच में इस संस्था ने इन सारे मुद्दों पे जो यहां पे तरीका फॉलो किया जा रहा है, इन सारे मुद्दों को एक साथ लेकर के चलने की कोशिश की हुई है। सारे टीचर्स जो भी सारी चीजें हो सकती हैं संभव, ध्यान में रखें कि ये जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं, इस परीक्षा से संबंधित सारी तैयारी तो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे या थोड़ा बहुत छूटा होगा, पढ़ाई कर रहे होंगे। ये जो क्रैश कोर्स होगा अपना, तो इसमें 100% ये सारी चीजें आपको नहीं बताई जाएंगी, ध्यान रखें।
100% तैयारी नहीं कराई जाएगी, बल्कि ये मैं अपने विषय से संबंधित विशेष तौर पे बात बता रहा हूं, इसमें जो आपके संभावित ये तकरीबन 50% ये जो संभावित होंगे, वही टॉपिक और उनसे संबंधित प्रत्येक टॉपिक से संबंधित 25-30 प्रश्न आपके सामने उपलब्ध कराए जाएंगे। मेरा तरीका आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा, मैं चैप्टर बताता हूं, समझाता हूं और उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे बनते हैं प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने रखता हूं। और इस बात की गारंटी रही है अभी तक कि जो तरीका है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाने सिखाने की किसी परीक्षा को लेकर के कोशिश किया हुआ है, अक्षरशः उसमें सफल हुआ हूं और आप में से अधिकांश लोगों के अलग अलग परीक्षाओं में रिजल्ट भी आए हुए हैं। क्लियर? चले, तो ये कुछ हमारे बेसिक तरीके हैं और लोअर पीसीएस क्रैश कोर्स में इन सारे तरीकों को एक साथ 45 दिवसीय कार्यक्रम में समाहित करने का प्रयास किया गया है इस चैनल के माध्यम से, इंस्टीट्यूट के माध्यम से। शुरू करते हैं। देखो, अगर हमें तैयारी करनी है तो अगर इतिहास विषय को लेकर के बात किया जाए तो इतिहास विषय में आम तौर पे आप सारे लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी परीक्षा में, उत्तर प्रदेश में अगर कोई परीक्षा हो रही है तो कंपटीशन में अगर 100% में देखा जाए इतिहास का वेटेज कितना होता है, भार कितना होता है, तो 100% में तकरीबन 15-20% प्रश्न इतिहास विषय से ही पूछे जाते हैं। इतिहास विषय में तकरीबन 15-20 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा परीक्षा के, ये बिल्कुल पक्का है। अब ऐसा नहीं है कि 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सिर्फ 8 ही पूछ लिया, 10 ही पूछ लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और पीसीएस इस बार तो ट्रिपल एससी ले रहा है, लेकिन पहले जो भी परीक्षाएं हुई आयोग की ओर से, वो परीक्षा ली गई थी लोक सेवा आयोग की ओर से, तो आपका ये जो लोअर पीसीएस का इस बार पेपर होगा वो ऐसा नहीं होगा कि सीधे सीधे ट्रिपल एससी का जो ढर्रा है उसी से संबंधित प्रश्न वहां पे पूछ लेंगे, नहीं, उसमें एक पैमाना निश्चित किया जाएगा, एक ग्रेविटी मेंटेन की आएगी। लोअर जो भी ट्रिपल एससी आयोग है उसकी सबसे महत्वाकांक्षी परीक्षा में से एक ये परीक्षा होने वाली है, इसकी अपनी एक गरिमा है, एक ग्रेविटी है। आगे बढ़ते हैं। अगर इतिहास विषय में बात किया जाए तो ध्यान में रखें कि इतिहास विषय को लेकर के इस 45 दिवसीय क्रैश कोर्स में शेखर पांडे अर्थात मैं, मेरा तरीका क्या होगा क्लास लेने का, वो मैं बताना चाह रहा हूं। अगर एक एग्जाम्पल के तहत, इतिहास विषय में एक एग्जाम्पल के तहत एक टॉपिक उठा लें, जैसे हड़प्पा सभ्यता, आप सारे लोग जानते होंगे, इसी को लेकर के चलते हैं। तरीका क्या होगा, मैंने पहले स्पष्ट कर दिया है कि पूरा का पूरा आपको थॉरली नहीं बताने की कोशिश होगी मेरी, जो भी पिछले वर्षों के अनुभव रहे हैं परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के, उन अनुभवों से सीख लेते हुए हम आपको यहां पे वही सारी संभावित मुद्दे या प्रश्नों से संबंधित डिस्कस करेंगे। तो अगर हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए तो ध्यान रखें कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न, आप हड़प्पा सभ्यता को थॉरली पढ़ते होंगे, मैं आपको टुकड़ों में बांट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात किया जाए तो यहां पे कुल दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक तो सामान्य मुद्दे होते हैं और दूसरा जो मुद्दा होता है वो विभिन्न स्थलों से संबंधित। दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं हड़प्पा सभ्यता में। अब ये जो सामान्य मुद्दे होते हैं, सामान्य मुद्दों में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, मुद्दे क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। अगर पहली बात की आ जाए तो प्रश्न यही बनता है कि हड़प्पा सभ्यता किस काल से जुड़ी हुई सभ्यता है, किस काल से जुड़ी सभ्यता है, पहली बात यही देखने को मिलते हैं सभ्यता है। दूसरा मुद्दा इसमें होगा सामान्य मुद्दों में कि इसका तिथि निर्धारण कैसे हुआ, किसने सबसे पहले इसकी तिथि क्या रही,
किस किस दो समयों के बीच में इसका अस्तित्व रहा, इस बात की जानकारी करने का पहला प्रयास किसके द्वारा हुआ था। अलग अलग इतिहासकारों ने, पुरातत्ववेत्ताओं ने अपने अपने रिसर्च के आधार पे बहुत सारी बातें की हुई हैं कि हड़प्पा सभ्यता इतने से शुरू हुई और इतने पे जाके खत्म हो गई। हड़प्पा, किसी ने कुछ दूसरी बातें बताई, किसी ने कुछ दूसरा समय काल बताया, मतलब अलग अलग ऐसे 10-20 अलग अलग सिद्धांत या मत दिखाई पड़ते हैं तिथि को लेकर के, टाइम पीरियड को लेकर के। तीसरे प्रकार का जो प्रश्न होगा यहां पे वो ये होगा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ एंड इसका विकास कैसे देखने को मिलता है। चौथे नंबर पे ये सारे संभावित प्रश्नों की जो भी श्रृंखला होगी, अभी हम प्रश्न भी देखेंगे, ये सारे जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जहां से संभावित हो सकता है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कोई भी प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता आपको पता होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक होता है और सारे परीक्षाओं में एक प्रश्न सामान्यतः देखने को मिल ही जाता है। तो जो चौथा टॉपिक यहां पे होगा संभावित में, वो होगा हड़प्पा सभ्यता को तीन भागों में या तीन चरण में बांट करके समझा जा सकता है। वो तीन चरण क्या होते हैं मैं उस पर भी अभी डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा जो भी मुद्दे हैं पढ़ने के वो मैं बता लेता हूं। अगर पीछे चलें तो यहां पे नहीं, पांचवा मुद्दा हो सकता है यहां पे, इस समय काल की अर्थव्यवस्था कैसी रही, अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा सामाजिक मुद्दे कौन कौन से हैं यहां पे वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कला संस्कृति से संबंधित जो मुद्दे बन सकते हैं वो देखने को मिलेंगे। और लास्ट में एक मुद्दा बनता है पतन से संबंधित, पतन काल से संबंधित। ये कुछ बेसिक मुद्दे होते हैं और पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें, इत्मीनान से आप पढ़ाई करते रहेंगे और महीनों तक, बहुत सारे लोग महीनों तक पढ़ते ही चले जाते हैं तो भी तैयार नहीं हो पाता है हड़प्पा सभ्यता। लेकिन आज के आज जितनी महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं आज और अगली क्लास में 2 दिन लेंगे और आपको हमेशा के लिए हड़प्पा सभ्यता संबंधी जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हो सकते हैं वो सारा का सारा कुछ तुरंत के तुरंत आपके दिमाग में डालने की कोशिश करूंगा। पीछे बढ़ते हैं, यहां पे जो आपने देखा विभिन्न स्थल से संबंधित मुद्दे, विभिन्न स्थल से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक सामान्य मुद्दे होते हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया कौन कौन से सामान्य मुद्दे होते हैं, विभिन्न स्थलों से संबंधित प्रश्न भी यहां पे पूछे जाते हैं। विभिन्न स्थलों से संबंधित में सबसे पहले किस हड़प्पाई स्थल की खोज हुई, आप में से सबको पता होना चाहिए, हड़प्पा उस स्थल का नाम था। अब हड़प्पा को लेकर के भी बहुत प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे ये कि सबसे पहले, अब ये जो खुदाई वगैरह हो रही है विभिन्न स्थलों की, वो जब भारत अंग्रेजी दास्ता का शिकार था 1921 के आसपास की बात है, जब पहली बार हड़प्पा स्थल की खुदाई प्रॉपर तरीके से शुरू हुई थी। हालांकि 1921 के पहले भी बहुत सारे अंग्रेज विद्वान हड़प्पा गांव का दौरा किए हुए थे अलग अलग समय काल में। किसी ने उसके महत्व को समझने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाया, समझ नहीं पाया कि वास्तव में है क्या चीज, इसकी खुदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इन विद्वानों से संबंधित मुद्दे भी पहले परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, हड़प्पा गांव का दौरा सबसे पहले किसने किया, फिर खुदाई की अगर बात देखा जाए सबसे पहले किसने खुदाई किया, वगैरह वगैरह अलग अलग प्रश्न बनेंगे। हड़प्पा के अलावा एक दूसरा जो परीक्षा में प्रश्न बनता है स्थान से, वो है मोहनजोदाड़ो। फिल्म भी आई थी, आप में से अधिकांश लोगों ने देखा भी होगा, हालांकि मुद्दा दूसरा है, वो बहुत सटीक उसमें नहीं दिखाया गया। ऐसे तो लगभग 1500 के आसपास स्थल अभी तक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित प्रकाश में आए हैं। हड़प्पा सभ्यता एक बड़ी सी सभ्यता है जिसमें लगभग 1500 के आसपास स्थल खुदाई के दौरान अभी तक जानकारी में आए हैं। इन 1500 स्थलों में से एक स्थल हड़प्पा भी है, क्योंकि पहली बार खुदाई सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा स्थल की ही हुई तो चैप्टर का नामकरण हुआ था हड़प्पा सभ्यता। अब ये जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थल भी हैं, जैसे कालीबंगा, जैसे लोथल, जैसे रंगपुर,
जैसे धौलावीरा, ये पांच छह अलग से स्थल आपको देखने को मिलेंगे जहां से रेगुलरली प्रश्न बनते ही बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पहला मुद्दा है बारी बारी से देखना शुरू करते हैं। अब ये जो पहला मुद्दा है, किस काल से जुड़ी यह सभ्यता थी? आगे बढ़ करके लिखते हैं इसे, किस काल से जुड़ी हुई यह सभ्यता थी? तो इसका सीधा सीधा उत्तर यह होगा, काल की अगर बात किया जाए पहला मुद्दा, तो आपको काल या युग, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि भारत में जो इतिहास का बंटवारा हुआ है, उपकरणों के उपयोगिता के आधार पर भी उसका बंटवारा देखने को मिलता है। उपकरण, मनुष्य द्वारा प्रयोग किए गए उपकरणों के आधार पर भी इतिहास का बंटवारा हुआ है। जैसे आपने नाम सुना होगा पाषाण काल का, पाषाण काल, फिर इसके बाद ताम्र युग, मतलब तांबा धातु का उपयोग किसी खास समय के लोग करते रहे होंगे तो उस समय काल को ताम्र युग के नाम से ही कहा गया। इसके अलावा आपने सुना होगा कांस्य युग, इसके अलावा आपने सुना होगा लौह युग। समझने की कोशिश करें, यहां पे दो तीन प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। पाषाण काल, पाषाण काल के बाद ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग। पाषाण काल को अगर देखा जाए तो यहां पे तीन भागों में बांट करके पाषाण काल को पढ़ा गया है। आमतौर पे परीक्षाओं में प्रश्न नहीं बनता है यहां से। अब पहले इक्का दुक्का कभी कभी दो चार पांच सालों में प्रश्न बन जाता था, लेकिन अब हाल फिलहाल में प्रश्न बनता ही नहीं है। तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, सर पूरा का पूरा ही पढ़ करके जाना अच्छा है। भाई पूरा का पूरा पढ़ करके जाना अच्छा था, लेकिन अब नहीं है। अब निश्चित रूप से आपका पेपर अगस्त के आसपास होगा, अब पूरा का पूरा पढ़ने का समय नहीं है। आपने जितना पढ़ा हुआ था अब उसमें से आप छटनी शुदा जो भी सिलेबस आप रखेंगे अपने सामने वही आप तैयार करेंगे। अब पूरा का पूरा नहीं हो सकता है, जो भी संभावित हो सकता है उसी को फोकस करते रहना है। पाषाण काल में देखा जाए तो पाषाण काल में तीन भाग देखने को मिलते हैं, और इसमें पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, और इन्हें तीनों को एक साथ पूरा पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अगर यहां पे देखा जाए दूसरे में मध्य पाषाण काल सीधे तौर पे, मध्य पाषाण काल, और तीसरे पे नव पाषाण काल। अब यहां पे जो बंटवारा हुआ है, ये पत्थर के उपकरण होते थे और उपकरणों के आकार प्रकार के हिसाब से इस समय फेज को बांटने की कोशिश की गई है पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा या इतिहासविदों के द्वारा। अब यहां पे अगर देखा जाए तो प्रश्न बनता है कि मनुष्य द्वारा या भारत में प्रयोग किया गया प्रथम धातु कौन सा था? तो प्रथम धातु हो गया, दो तीन प्रकार के प्रश्न यहीं पे एक प्रश्न से ही आपको मिलेगा जानने के लिए। तो प्रथम धातु था तांबा, जिसका प्रयोग भारत में किया गया। अगर कांस्य युग की बात किया जाए तो यहां पे हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में पहली बार, हड़प्पा सभ्यता में चूंकि पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज। हड़प्पा सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, इस वजह से पहली बार कांसा धातु का प्रयोग हड़प्पा वासियों ने किया हुआ था, इस वजह से हड़प्पा सभ्यता का जो समय काल था उसे कांस्य युगीन के नाम से जाना जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। मैंने बताया यहां पे कि ये प्रथम बार प्रयोग हो रहा है न कि सर्वाधिक, कांसा धातु का पहली बार प्रयोग हो रहा है न कि सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है। हड़प्पा सभ्यता में अगर देखा जाए सर्वाधिक कौन सी धातु प्रयोग होती थी, अगर सर्वाधिक प्रयोग होने वाले धातु की बात किया जाए तो इसका उत्तर होगा तांबा।
लेकिन हड़प्पा सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि पहली बार कांसा धातु का उपयोग प्रयोग हड़प्पा वासियों ने ही किया हुआ था। लौह युग की अगर बात करें तो लौह युग भारत में कब से देखने को मिलता है, तो इसका उत्तर है उत्तर वैदिक काल से। आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि भारत में उत्तर वैदिक काल की जो शुरुआत हो रही है वो शुरुआत हो रही है 1000 ईसा पूर्व के आसपास, और इसी के आसपास भारत में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से पहली बार लोहे की जानकारी भी हो रही है। तो उत्तर वैदिक काल से लोहे की शुरुआत हो रही है, और उत्तर वैदिक काल के बाद जैसे ही महाजनपद काल आता है तो उस समय काल में लोगों ने लोहे का बड़े पैमाने पर प्रयोग करना शुरू किया, चाहे वो कृषि कार्य हो चाहे युद्ध अस्त्र शस्त्र के रूप में। तो लौह काल की शुरुआत होगी उत्तर वैदिक काल से, लौह युग की शुरुआत होगी उत्तर वैदिक काल से। उसके पहले हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन काल कहा जाता है, और यहां पे हमने देखा कि भारत में प्रथम कौन सा धातु प्रयोग किया गया, उसका उत्तर है ताम्र, तांबा या ताम्र युग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी अगर बात किया जाए, दूसरा मुद्दा हमारा जो था कि तिथि निर्धारण, हड़प्पा सभ्यता का समय क्या था, तो समय को लेकर के भी अलग अलग मुद्दे बनते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये कि परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसने हड़प्पा सभ्यता के समय को लेकर के अपना रिसर्च किया हुआ था, तो इसका सबसे सटीक उत्तर है जॉन मार्शल साहब, अंग्रेज विद्वान। इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी है, किन दो समय काल के बीच में इसका एग्जिस्टेंस था, इसका अस्तित्व था, इस मुद्दे को लेकर के अपना रिसर्च किया हुआ था। और इनके अनुसार यह सभ्यता कब से कब तक रही होगी, तो 3250 से लेकर के 2750 ईसा पूर्व के बीच, 3250 से 2750 ईसा पूर्व के बीच इन्होंने समय काल इसका डिक्लेयर किया हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का अस्तित्व कुल कितने वर्ष तक रहा, लगभग 500 वर्ष तक इस सभ्यता का अस्तित्व बना रहा। आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा मुद्दा हमारा था वो था उद्भव और विकास को लेकर के। यहां से जो प्रश्न पूछा गया है पहले, वो सीधे सीधे यह पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता क्या देसी सभ्यता थी, तो उत्तर इसका हां, शुद्ध रूप से हड़प्पा सभ्यता देसी सभ्यता थी। का मतलब क्या है, कुछ विद्वान ऐसे हैं जो ये कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के उदय में, हड़प्पा सभ्यता के ओरिजिन में विदेशियों का हाथ रहा है। विदेशों से कुछ लोग हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो भी स्थल हैं, क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में माइग्रेट होकर के आते हैं विदेशों से लोग, और उन्होंने ही अपने आप को इन क्षेत्रों में धीरे धीरे डेवलप करके हड़प्पा सभ्यता जैसी बड़े ही महत्वपूर्ण शहरी नगरी सभ्यता को जन्म दिया हुआ था। कुछ इतिहासकार हैं, विशुद्ध रूप से भारतीय इतिहासकार, उन्होंने कहा नहीं, ये बात बिल्कुल जेन्युइन नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि यह सभ्यता शुद्ध रूप से देसी सभ्यता है, और ये जो एरिया है इसका, हड़प्पा सभ्यता का बड़ा सा, हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया है, यहां पे हड़प्पा सभ्यता के पहले भी कुछ देसी किसान टाइप के लोग अवश्य रहते थे। देसी मूल के कुछ लोग इन क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता के पहले भी रहते थे, और वही पहले के लोग समय के साथ धीरे धीरे डेवलप करके हड़प्पा सभ्यता जैसी एक बड़ी सी सभ्यता का निर्माण या गठन करते हैं। तो अंततः निष्कर्ष यह निकला इस बात का कि शुद्ध रूप से यह एक देसी सभ्यता थी, लेकिन इसका विकास कैसे हुआ, क्योंकि एक प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय या शहरी सभ्यता है। प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की पहली शहरी या नगरीय सभ्यता है, तो यहां पे प्रश्न बनता है, उदय तो हो गया, शुद्ध रूप से यह देसी सभ्यता थी और देसी लोगों ने ही इसका
शुरुआत किया था, उद्भव किया हुआ था, ओरिजिन किया हुआ था। लेकिन ये विकसित कैसे हुई, शहरीकरण की स्थिति तक कैसे पहुंची, तो इस बात को लेकर के निष्कर्ष ये निकलता है कि समय के साथ हड़प्पा सभ्यता के लोगों का विश्व के अन्य कुछ देशों के साथ व्यापारिक मैत्रिक संबंध बनता है और एक दूसरे के कल्चर का जैसे जैसे आदान प्रदान हुआ व्यापारिक संबंधों के माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से, वैसे वैसे ये सभ्यता और ज्यादा डेवलप विकसित होती चली गई। अब इन देशों में, विदेशी देशों में किन किन का योगदान रहा होगा सभ्यता को विकसित करने में, तो सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता का जो घनिष्ठ संबंध था वो था मेसोपोटामिया के साथ, मेसोपोटामिया के साथ। और मेसोपोटामिया का लोकेशन अगर देखा जाए तो इराक, और नदी अगर देखा जाए तो दजला फरात नदी, ठीक वैसे ही जैसे हड़प्पा सभ्यता की पहचान सिंधु नदी से होती है। हड़प्पा सभ्यता की पहचान सिंधु नदी, सिंधु से ही सैंधव शब्द निकला हुआ है, हड़प्पा सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। तो वैसे ही मेसोपोटामिया इराक से संबंधित, दजला फरात नदी से इसकी पहचान होती है। मेसोपोटामिया के अलावा यहां पे ओमान नाम आएगा, ओमान के अलावा बहरीन, इन देशों के साथ भी हड़प्पा वासियों का संबंध था। इसके अलावा ईरान ईटीसी कर लें, अफगानिस्तान भी ईटीसी कर लें, इन देशों के साथ हड़प्पा वासियों के नजदीकी संबंध थे, इनके ट्रेड एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, अगर चरण की बात किया जाए, चरण की बात किया जाए तो तीन चरण देखने को मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में, तीन चरण देखने को मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता में। कौन कौन से तीन चरण? सबसे पहले जो चरण है वो है प्राक हड़प्पा काल, दूसरे नंबर पे जो चरण है वो है विकसित हड़प्पा काल, और तीसरे नंबर पे जो चरण आपको मिलेगा वो मिलेगा हड़प्पा सभ्यता के पतन का काल। और इन तीनों के कार्बन 14 डेटिंग पद्धति से, कार्बन 14 एक विधि है पुरानी चीजों के उम्र निर्धारण के लिए, तो कार्बन 14 डेटिंग पद्धति के माध्यम से इनका समय काल भी निश्चित किया गया है कि प्राक हड़प्पा का जो चरण था, प्राक का मतलब प्री, प्राक मतलब हड़प्पा से ठीक पहले, प्राक हड़प्पा का जो समय रहा वो 3500 से लेकर के 2550 तक का जो ईसापुर जो समय काल रहा वो प्राक हड़प्पा चरण कहा जाता है। मतलब जिस हड़प्पा सभ्यता को हम जानते हैं, अर्थात ये जो विकसित चरण है हड़प्पा सभ्यता, जिस हड़प्पा सभ्यता को हम जानते हैं वो वास्तव में विकसित चरण ही है, और विकसित चरण के ठीक पहले इन्हीं क्षेत्रों में रहने वाले लोग, अर्थात प्राक हड़प्पा चरण में जो लोग इन क्षेत्रों में रहते थे, वही धीरे धीरे डेवलप होकर के विकसित स्थिति तक पहुंचते हैं, और यही विकसित स्थिति को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और इसका जो समय काल है वो शुरू होता है 2550 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक, 2550 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक। और ये जो पतन का काल है, तो हड़प्पा सभ्यता का पतन जो भी रिसर्च हुए हैं उससे यह स्पष्ट होता है कि 1900 में इसका पतन शुरू हुआ, और अचानक ही इसका पतन नहीं हो गया, इसके पतन में भी 100-150 वर्षों का समय काल लगा। तो 1900 से इसका पतन शुरू होता है और 1750 ईसा पूर्व तक जा करके यह सभ्यता डिक्लाइन कर गई थी, इसका पतन हो गया था। अब हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्या किया जाता है? हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, हड़प्पा सभ्यता का अंत नहीं हुआ, क्योंकि अंत का मतलब होता है पूरी तरह से खत्म हो जाना, अंत का मतलब होता है पूरी तरह से खत्म हो जाना, और पतन का मतलब होता है कुछ चीजें खत्म हो गई और कुछ चीजें वहां से वर्तमान तक चली आती हैं। हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ न कि अंत हुआ, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज अभी भी देखने को मिलता है। जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। ये कुछ बेसिक बातें थी, लेकिन मैंने कुछ आपके लिए आज प्रश्न भी रखा हुआ है,
और वो प्रश्न क्या है वो देखते हैं जरा कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित या जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो भी कुछ टॉपिक हम पढ़ेंगे उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न बन सकते हैं आपकी आने वाली परीक्षा के लिए। वैसे क्लास में तकरीबन प्रत्येक टॉपिक से संबंधित 50-60 प्रश्न मैं कराता हूं। इस लोअर क्रैश कोर्स की अगर बात किया जाए तो जो सबसे ज्यादा संभावित मुद्दे होंगे 20 प्रश्न 25 प्रश्न, वो रोज आपके सामने 10-10 प्रश्नों के माध्यम से हम लेकर के चलते रहेंगे। तो आपके लिए आज के कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, उम्मीद करूंगा जिनको भी पता है वो इसके उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नहीं दे रहा हूं यहां पे, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपको चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं चेक करूंगा और अगली क्लास में मैं कमेंट्स में जो भी सारी चीजें देखने को मिलेंगी उसके माध्यम से आपको सही उत्तर भी इसके बताता चला जाऊंगा। तो हड़प्पा सभ्यता, पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता अभी नहीं बताऊंगा, इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे अगली क्लास में। इन सारे प्रश्नों के उत्तर भी टू द पॉइंट मैं बताता चला जाऊंगा। हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित सभ्यता थी, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? और उम्मीद यह भी करूंगा आपसे कि आप सारे लोग इन प्रश्नों को अपने एक नोटबुक बना करके लिखते चले जाएं, क्योंकि ये जो आप काम करेंगे प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे। अभी तक ऐसा ही होता रहा है और मैंने जो गेस किया हुआ है, ईश्वर ने कुछ ऐसा अच्छा गुण दिया हुआ है मेरे साथ, मैं गेस करता हूं और प्रश्न वहां से बनता ही बनता है। तो दूसरा प्रश्न होगा, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तीसरा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की, कल हम डिस्कस करेंगे इस पे, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? चौथा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का केंद्रीय स्थल क्या था जहां से यह सभ्यता अन्य क्षेत्रों में फैली या विस्तृत हुई? फिर से समझें, हड़प्पा सभ्यता का केंद्रीय स्थल क्या था जहां से, अर्थात जिस केंद्रीय स्थल से यह अन्य क्षेत्रों में फैलती चली गई, विस्तृत हुई? पांचवा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के स्थल किस पद्धति पर बसे हुए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार यह प्रश्न छोटी परीक्षाओं में पूछा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के स्थल किस पद्धति पर बसे हुए थे? छठा प्रश्न, किस विद्वान ने योगी वाली मोहर की पहचान, किस एक विद्वान ने योगी वाली मोहर की पहचान पशुपति शिव के रूप में की थी? सातवां प्रश्न, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया हुआ था? सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? और लास्ट प्रश्न आज के लिए, सैंधव सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? सैंधव सभ्यता के लोग किस एक देवता की पूजा करते थे? लास्ट में चलते चलते एक बात और कि ये जो क्रैश कोर्स होता है ये रेगुलर क्लास नहीं होती है। रेगुलर क्लास में इत्मीनान से पढ़ाई होती है और सारी चीजों को कवर करने का प्रयास होता है। ये जो क्रैश कोर्स होता है अंतिम समय की रणनीति लेकर के आता है, और आपको निश्चित रूप से इस ऑनलाइन जो भी इंस्टीट्यूट है अपना टारगेट हित आलोक, इस पे आपको फक्र होना चाहिए कि आपके अंतिम समय में भी आपका साथ देने के लिए ये संस्था खड़ी है। 45 दिवसीय क्रैश कोर्स के माध्यम से निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाने के लिए यह संस्था आगे बढ़ करके आई हुई है। चूंकि यह एक नियमित कोर्स नहीं है, नियमित क्लास के रूप में नहीं है, क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। इंपॉर्टेंस क्या होती है कि यहां पे कछुए की गति से काम नहीं होता है, यहां पे बहुत तीव्रता के साथ मैक्सिमम जितना हो सकता है उन सारी चीजों को पकड़ में लाने की कोशिश की जाती है और वही सारे मुद्दे बताए जाते हैं क्रैश कोर्स में जहां से प्रश्न आने की गुंजाइश संभावना सबसे ज्यादा होती है। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप अच्छे समझ रहे होंगे। आज के लिए इतना ही और अगली क्लास में फिर मिलेंगे और जहां आज खत्म किया है वहीं से आगे बढ़ते चलेंगे। मिलते हैं, धन्यवाद। मैं गौरव रंजन, टारगेट आलोक
ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका ज्योग्राफी टीचर। आपके लिए, आपकी बेहतर तैयारी के लिए और आपको सफलता दिलाने के लिए हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपके लिए 45 दिनों का क्रैश कोर्स प्रारंभ किया गया है या किया जाने वाला है अभी। उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन टॉपिकों पर हम चर्चा कर रहे हैं। एक निर्धारित समय दिया जा रहा है आपको 45 दिन, और 45 दिन के अंतर्गत उन सभी टॉपिकों को आपको कंप्लीट कराया जाएगा, टू द पॉइंट आपकी तैयारी कराई जाएगी, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप ये 45 दिन अगर आप हमें अपने लाइफ के देते हैं तो निश्चित सी बात है कि आप अंतिम रूप से इस परीक्षा में चयनित हो जाएंगे और एक आपको अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। मैं आपको भूगोल पढ़ा रहा था और भूगोल की क्लास में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ विश्व का भूगोल, और विश्व के भूगोल में कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं विश्व भूगोल से, वर्ल्ड मैप से संबंधित, और विश्व मैप से संबंधित आज मैं पहला लेक्चर पढ़ा रहा हूँ आपको, जिसमें हम बात करने वाले हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। किस महाद्वीप की बात करने वाले हैं? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं वर्ल्ड मैप से, वो समझ लीजिएगा। बेसिक चीजें पूछ ली जाती हैं कई बार, तो जैसे आप, ये तो इतना सिंपल है, ये तो जानते होंगे कि कितने महाद्वीप हैं। तो महाद्वीप संख्या 7 है। इन 7 महाद्वीपों को मैं घटते हुए क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर रहा हूं। तो अगर क्षेत्रफल के घटते हुए क्रम में मैं व्यवस्थित करूं तो सबसे बड़ा महाद्वीप, तो जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, इस सबसे बड़े महाद्वीप का नाम है एशिया। क्या नाम है? एशिया। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम है आपका अफ्रीका। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका नाम है आपका उत्तर अमेरिका। और उत्तर अमेरिका के बाद जो महाद्वीप है आपका, उसका नाम है चौथे नंबर का दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका के बाद अमेरिका। पांचवें नंबर का जो क्षेत्रफल के दृष्टि से पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है, इस महाद्वीप का नाम है अंटार्कटिका। छठा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसका नाम है आपका यूरोप। और जो सबसे छोटा महाद्वीप है 7वें नंबर का, इसका नाम जानते होंगे आप लोग, तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। इतना तो आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये बात मैं भी समझ रहा हूं कितना आप जानते हैं। इन महाद्वीपों में, इस महाद्वीप में एक महाद्वीप है आपका जिसका नाम है अंटार्कटिका। इस अंटार्कटिका महाद्वीप पर मानव जीवन संभव नहीं, अंटार्कटिका महाद्वीप पर मानव जीवन संभव नहीं है। अब देखिए, मैं आपके लिए एक ट्रिक लिख रहा हूं वहां पर, मैंने यहां पर लिखा आम। अंटार्कटिका पे मानव जीवन संभव नहीं है, तो यहां पर हमने कुछ नहीं लिखा, छोड़ दिया। यहां पे फिर से हमने क्या लिखा, तो यहां से फिर से हमने लिखा आपके लिए आम। तो मैंने 3 बार लिखा आम 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 लिख दिया। अब मैंने क्या किया, यही आम को जो व्यक्ति खाएगा, उस व्यक्ति का मैंने यहाँ पे नाम लिखा, उसका नाम लिखा मैंने कवि। यहाँ पर मैंने लिखा ऐसा कवि, और यहाँ पे मैंने लिखा ऐसा कवि, सॉरी एक कवि थोड़ा गलत लिख गया। तो मैंने एक बार ऐसा कवि लिखा, दूसरी बार ऐसा कवि लिखा, और तीसरी बार मैंने ऐसा कवि लिखा। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये आम कवि है क्या, तो का मतलब है कर्क रेखा, कर्क रेखा। मां का अर्थ है मकर रेखा, मकर रेखा। और बी का अर्थ है विषुवत रेखा, बी का अर्थ क्या, तो इस बी का अर्थ है विषुवत रेखा। और आ का अर्थ है आर्कटिक रेखा, आ का अर्थ क्या है, तो इस आ का अर्थ है आर्कटिक रेखा, ठीक है ना। किस महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, किस महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अब देखिएगा, एशिया महाद्वीप से कर्क और विषुवत, अफ्रीका से मकर, कर्क और विषुवत। तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं कर्क मकर और विषुवत गुजरती हैं। तो कर्क मकर विषुवत, उत्तर अमेरिका से कर्क, दक्षिण अमेरिका से मकर और विषुवत, अंटार्कटिका से कोई भी नहीं गुजरती है, यूरोप महाद्वीप से तो ना कर्क गुजरती है, ना विषुवत, ना मकर। और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से मात्र कौन सी रेखा गुजरती है, मकर।
एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, किस महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, या वह कौन सी रेखा है, पूछ लेगा मकर रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है, तीन। आम कभी, आम है, आम है, आम, कितने बार मैंने आम लिखा, तीन बार, तो मकर रेखा कितने कितने महाद्वीपों से गुजर रही है, तीन महाद्वीपों से। कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से गुजर रही है, तीन से, एक दो तीन। विषुवत रेखा भी कितने से, तीन से, क्योंकि आम कभी में ही ये शब्द आते हैं और मैं तीन तीन बार इनका यूज किया है, तो ऐसे क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका। देखिएगा ये आपके पास दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है, दक्षिण अमेरिका का मानचित्र है। मैंने अभी अभी बताया कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है उससे दो महत्वपूर्ण रेखाएं गुजरती, एक यहां से रेखा गुजरती है, एक रेखा यहां से गुजरती है, इस रेखा का नाम है विषुवत, और एक रेखा यहां से गुजरती है, इस रेखा का नाम है मकर। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से दो रेखाएं गुजर रही हैं, एक रेखा का नाम है यहां पर जो रेखा है ऊपर वाली, इस रेखा का नाम है आपकी कौन सी रेखा, तो यह रेखा है आपकी विषुवत रेखा, और यहां पर जो रेखा है इस रेखा का नाम क्या है, तो इस रेखा का नाम है आपकी मकर रेखा। तो एक विषुवत रेखा हुई और दूसरी कौन सी हुई, मकर रेखा। विषुवत रेखा के जो नीचे वाला क्षेत्र है ये पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध है, और विषुवत रेखा के ऊपर वाला जो भाग पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध है। ये हमारा ग्लोब होता है, इस ग्लोब पर एक विषुवत रेखा होती है, विषुवत रेखा के जो ऊपर वाला भाग वह पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध है और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां पर मकर रेखा है और यहां पर कर्क रेखा, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हमारा ऐसा है। तो दक्षिण अमेरिका अगर ऐसा है तो दक्षिण अमेरिका का जो विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग है, यानी ये विषुवत रेखा के नीचे वाला भाग है, तो ये तो हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध में, और विषुवत रेखा के जो ऊपर वाला भाग है वो हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध। आपका दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध, सॉरी दक्षिण अमेरिका जिससे विषुवत और मकर रेखाएं गुजरती है, किस गोलार्ध में पाया जाएगा। तो अगर जिस गोलार्ध से, जिस महाद्वीप से विषुवत रेखा गुजर रही होगी, आप याद रखिएगा वह दोनों गोलार्धों में पाया जाएगा। भाई विषुवत रेखा तीन प्रकार से गुजर सकती है, या तो विषुवत रेखा और मकर रेखा, या विषुवत रेखा और कर्क रेखा, या कर्क मकर और विषुवत। तो देख लीजिएगा ये भी दोनों गोलार्धों में है, ये भी दोनों गोलार्धों में। तो जिस महाद्वीप से विषुवत रेखा गुजरेगी वह महाद्वीप दोनों गोलार्धों में होगा, इतना बात याद रखिएगा। चलिए दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और क्या है, और क्या है, इस महाद्वीप से होकर दो रेखाएं गुजरती हैं, एक का नाम है एक का नाम है मकर रेखा और एक का नाम है विषुवत। यहां से देखिएगा यहां पर एक देश है, इस देश का नाम है इक्वाडोर। इक्वाडोर एक हो गया, कोलंबिया दूसरा देश, वेनेजुएला तीसरा देश, गुआना चौथा देश, सुरीनाम पांचवा देश, फ्रेंच गुआना छठा देश, ब्राजील सातवां देश, उरुग्वे आठवां देश, पराग्वे नौवां देश, अर्जेंटीना दसवां देश, चिली ग्यारहवां देश, बोलिविया बारह देश, और पेरू तेरह देश। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो कुल देशों की संख्या वो तेरह है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या तेरह। अब इन तेरह देशों में, दक्षिण अमेरिका के तेरह देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से एक होगा जो सबसे बड़ा होगा और एक होगा जो सबसे छोटा होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा है उसका नाम क्या है, तो उस देश का नाम है ब्राजील। क्या नाम है, ब्राजील। और जो सबसे छोटा है उसका नाम यहां पे लिखा है, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, इसका नाम, तो इसका नाम देख लीजिएगा, इसका नाम है आपका फ्रेंच गुआना। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो जो सबसे छोटा है इसका नाम है फ्रेंच गुआना, ठीक ना। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राजील, और दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश तो आपका फ्रेंच गुआना, ठीक है ना। दक्षिण अमेरिका में कुल कितने देश हैं, तो कुल देशों की संख्या हो जाती है अपनी कुल, कुल देश कितने हैं, कुल, तो कुल देशों की संख्या आपके तेरह है। कुल कितने देश हैं, तो तेरह देश है। आगे देखिएगा, अब इसमें मैपिंग से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, मैपिंग तो कैसे पूछे जाते हैं मैं समझा दे रहा हूं। कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका से विषुवत रेखा गुजरती है, दक्षिण अमेरिका से विषुवत रेखा गुजरती है, तो बताइए विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका के कौन कौन से देशों से गुजरती है। तो देख लीजिएगा यहां पर एक देश है जो पहले नंबर का लिखा है इक्वाडोर, एक देश है कोलंबिया, और एक है देश है ब्राजील। तो जो आपकी विषुवत रेखा है, विषुवत
विषुवत रेखा। यह विषुवत रेखा तीन देशों से गुजरती है, एक देश का नाम है आपका इक्वाडोर, एक देश का नाम है आपका कोलंबिया, इक्वाडोर कोलंबिया, और एक देश का नाम है आपका ब्राजील। क्या नाम है एक देश का? तो इस देश का नाम है ब्राजील। तीन देशों से होकर गुजरती है। वही पूछ लेगा मकर रेखा, तो मकर रेखा चार देशों से होकर गुजरती है दक्षिण अमेरिका के। यहां पर जो दिख रहा है चिली देश है, यहां पर अर्जेंटीना देश है, यहां पर पराग्वे देश है, और यहां पर ब्राजील है। तो चार देशों से होकर गुजरती है, एक का नाम है चिली, एक का नाम है अर्जेंटीना, चिली अर्जेंटीना, एक का नाम है पराग्वे, पराग्वे, और पराग्वे के बाद एक कौन सा है? तो इस देश का नाम है ब्राजील। ठीक ना, ये देश कौन सा है? तो इस देश का नाम है ब्राजील। तो कुल कितने देशों से होकर गुजर रही है? कुल कितने देशों से होकर गुजर रही है? तो चार। तो विषुवत रेखा तीन देशों से होकर गुजरती है, और मकर रेखा जो है वो कितने देशों से होकर गुजरती है? चार देशों से होकर गुजरती है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं मिटा दूंगा इसे। चलिए दक्षिण अमेरिका, ठीक ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका में जो कुल देशों की संख्या, कुल देश वह 13 है, ठीक ना। दक्षिण अमेरिका में अब आपको पता लगाना है, आगे वाली जैसा पूरब होती है, पूरब में कौन सा महासागर? यहाँ पे अटलांटिक है और यहां पर उत्तर, तो अटलांटिक महासागर है पूरा, ऊपर वाले को उत्तर और नीचे वाले को दक्षिण। यहाँ पे कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ऊपर कौन सा है? तो ये लिखा है इसका नाम कैरेबियन सागर, और नीचे कौन सा है? तो दक्षिणी हिंद महासागर है, दक्षिणी हिंद सागर, सॉरी दक्षिणी महासागर, हिंद नहीं, दक्षिणी सागर, दक्षिणी महासागर है। देखिएगा इसमें से पूछा जाता है कि दक्षिण अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका के ऊपर यहां पर उत्तर अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका को जो जोड़ने वाला देश है उस देश का नाम है पनामा, और यहीं पर एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है पनामा नहर। यहां देखिएगा यहां पर पानी है। दक्षिण अमेरिका में ऐसे कितने देश हैं जिनके पास तटीय सीमा नहीं है? दक्षिण अमेरिका के ऐसे देश जिनके पास तटीय सीमा नहीं है तो पूछा जाता है। आप देख लीजिएगा किसके पास, तो यहां पर तो पानी है, तो यहां पर जो देश है इनके सबके पास तटीय सीमा है। एक तो यहां पर दिख रहा है मैं, कौन सा? पराग्वे, और एक ये दिख गया बोलीविया। तो बोलीविया और पराग्वे, बोलीविया, बोलीविया और बोलीविया के साथ साथ कौन सा देश है? पराग्वे। तो बोलीविया और पराग्वे दो देश ऐसे हैं जिन पर तट रेखा नहीं पाई जाती, तट रेखा नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। तो यहां पर क्या है? तट रेखा नहीं पाई जाती है। बोलीविया और पराग्वे के पास तट रेखा नहीं है, यानी बोलीविया और पराग्वे समुद्र के किनारे नहीं है, बोलीविया और पराग्वे समुद्र के किनारे नहीं है, यहां पर है। अब चूंकि चारों ओर से धरातल से घिरे हुए हैं, और ऐसे देश जो चारों ओर से धरातल से घिरे होते हैं उनको नाम दिया जाता अंतः स्थलीय, या उनको कहा जाता स्थल आवद्ध देश। तो जिनके पास तट रेखा नहीं पाई जाती है उन्हीं को हम नाम दे देते हैं स्थल आवद्ध देश। क्या नाम दे देते हैं? स्थल आवद्ध देश या स्थल रुद्ध देश, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैंड लॉक, लैंड लॉक कंट्री, CoUNTRY, लैंड लॉक कंट्री, स्थल आवद्ध देश। क्या नाम दिया जाता है? नाम दिया जाता है स्थल आवद्ध देश। तो दक्षिण अमेरिका में दो स्थल आवद्ध देश हैं, एक का नाम है पराग्वे और दूसरे का नाम है बोलीविया। चलिए आप देख रहे हैं सबसे बड़ा देश जो आपको वो ब्राजील दिख रहा है। सबसे बड़ा देश कौन सा दिखाई दे रहा है? ब्राजील। ब्राजील को सभी देश स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन दो देश अभी भी ऐसे हैं जो ब्राजील को स्पर्श नहीं करते हैं। दो देश ऐसे हैं जो ब्राजील को स्पर्श नहीं करते हैं, तो कौन से दो देश? एक तो यहां पर हो गया, एक का नाम इक्वाडोर हो गया, और एक यहां पर हो गया, एक का नाम है चिली। बकाया सभी देश जो है वो क्या करते हैं? ब्राजील को स्पर्श करते हैं। तो दो देश हैं, एक का नाम है इक्वाडोर, कौन सा है? इक्वाडोर, और दूसरे का नाम क्या है? तो दूसरे का नाम है चिली। तो एक का नाम है इक्वाडोर और दूसरे का नाम है चिली। तो इक्वाडोर और चिली दो ऐसे देश हैं, इक्वाडोर और चिली
दो ऐसे देश हैं जो ब्राजील को स्पर्श नहीं करते हैं। अब मैं इतना आपको क्यों समझा रहा हूं, जबकि क्रैश कोर्स है, मैं क्रैश कोर्स ही पढ़ा रहा हूं आपको। क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण अमेरिका में कुल 13 देश हैं। आंसर दीजिएगा, दक्षिण अमेरिका में कुल 13 देश हैं, तो बताइएगा दक्षिण अमेरिका में ऐसे कितने देश हैं जो ब्राजील को स्पर्श नहीं करते हैं। आपने बता दिया तुरंत सर, दो। कौन से? इक्वाडोर और चिली, ठीक ना। अब बताइएगा, ये तो हम पता चल गया कि दक्षिण अमेरिका के दो देश ऐसे हैं जो ब्राजील को स्पर्श नहीं करते हैं। अब उसने दूसरा पूछ लिया कि दक्षिण अमेरिका में कुल 13 देश हैं और दो देश स्पर्श नहीं करते हैं, तो बताइएगा दक्षिण अमेरिका को कितने देश स्पर्श करते हैं। आप लोगों ने तुरंत दिमाग लगाया, सर 13 देश थे, दो देश स्पर्श नहीं करते हैं, तो कितने देश स्पर्श करते हैं? 11। जल्दबाजी का काम शैतान का गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? गलत इसलिए हो गया कि 13 तो कुल देश है, दो देश स्पर्श नहीं करते हैं, तो आगे 11, और उन 11 में एक देश ब्राजील भी तो है, तो ब्राजील को भी काउंट नहीं करेंगे। अरे भाई, हम सिर्फ उन्हीं देशों को चुनेंगे ना जो क्या कर रहे हो, जो ब्राजील को स्पर्श कर रहे हो। अब देखिएगा, ब्राजील को स्पर्श करने वाले देशों की हम संख्या लिख रहे हैं, ब्राजील को एक देश हो गया जो पेरू, जो स्पर्श कर रहा है, एक देश हो गया बोलीविया, पराग्वे हो गया, अर्जेंटीना यहां पर स्पर्श कर रहा है, अर्जेंटीना 4 हो गया, उरुग्वे 5 हो गया, फ्रेंच गुआना 6 हो गया, सुरीनाम 7 हो गया, गुआना 8 हो गया, वेनेजुएला 9 हो गया, कोलंबिया 10 हो गया। बस ब्राजील स्वयं को थोड़ी ना स्पर्श कर, ब्राजील तो खुद देश है, तो ब्राजील को स्पर्श करने वाले देशों की संख्या 10 और न स्पर्श करने वाले देशों की संख्या 2, तो 10 और 2 12, और एक कौन? स्वयं ब्राजील, तो होगा कितने? 13। क्वेश्चन पूछा गया है, बस अंतर यह है कि अभी तक ये परीक्षा आपका लोक सेवा आयोग करवाता था, उसने क्वेश्चन पूछा है कि ब्राजील को स्पर्श करने वाले देशों की संख्या कितनी है। आप लोगों ने वही दिमाग लगाया कि सर कुल 13 देश, दो देश अगर स्पर्श नहीं करेंगे तो कितने देश स्पर्श करेंगे आपके? 11। गलत हो गया, ब्राजील को नहीं जोड़ेंगे, ब्राजील स्वयं को थोड़ी ना स्पर्श करेगा, तो 2 और 1 और माइनस करेंगे तो 10 निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब प्राकृतिक वाले मैप में चलते हैं हम लोग, प्राकृतिक वाले मैप में। चलिए यह दक्षिण अमेरिका का प्राकृतिक वाला मैप, इसको समझते हैं। प्राकृतिक वाले मैप में यहां पर आपको साफ साफ लिखा दिख रहा है, यहां पर अटलांटिक ओशियन लिखा है और यहां पे लिखा है पैसिफिक ओशियन। ये वाली दिशा पूरब है और ये वाली दिशा आपकी पश्चिम है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, यानी ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में, यहां से लेकर यहां तक जो आपको ब्राउन ब्राउन कलर का दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, और जो यहां पर पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, इस पर्वत श्रृंखला का नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में, क्या सही है क्या गलत है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की एक लंबी, एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, और यह विश्व की एक लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। कोलंबिया से लेकर आपकी चिली अर्जेंटीना तक फैली हुई है महाद्वीप के पश्चिमी भाग में और प्रशांत महासागर के तट पर। पश्चिमी भाग में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती हैं, भूकंप भी यहां पर आता है। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, ठीक ना। और जहां जहां मोड़दार पर्वत पाए जाएंगे, याद रखिएगा मोड़दार पर्वत आपका कौन सा? हिमालय है, रॉकी है, एंडीज है, ठीक ना, ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी एटलस है, तो जहां आल्पस है, तो जहां जहां मोड़दार पर्वत पाए जाएंगे, हमेशा याद रखिएगा वहां पर भूकंप आने की संभावना ज्यादा रहती है, ज्वालामुखी प्रक्रियाएं भी वहां पर होती हैं। तो मोड़दार पर्वत है, इस मोड़दार पर्वत का नाम है एंडीज पर्वत। हमने कहा कि मोड़दार पर्वत है, मोड़दार पर्वत पर ज्वालामुखी प्रक्रियाएं होती है, भूकंप भी आते हैं। तो यहां पर एक देश है, आपको साफ साफ नाम दिख रहा है, इक्वाडोर। कौन सा देश है? इक्वाडोर। इक्वाडोर देश में एक ज्वालामुखी पर्वत है जिसका नाम ये लिखा है, मैं मार्क कर दे रहा हूं, यहां पर इसका नाम लिखा है, देखिएगा रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, ये लिखा है यहां पर,
चिम्बारा जो यहां पर है, और जो नाम है वो नाम है कोटोपैक्सी। क्या नाम है? तो नाम है कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी एक पर्वत है, और जिस देश में उस देश का नाम है इक्वाडोर, जिस देश में है उस देश का नाम है इक्वाडोर। और इक्वाडोर में जो कोटोपैक्सी पर्वत है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी को कहा जाता है, सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी को कहा जाता है जिसे हमेशा लावा बाहर निकलता रहे। तो कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी। तो कोटोपैक्सी तो एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, बात समझिएगा। एंडीज, मैंने शब्द यूज किया एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब क्या होता है? एक पर्वत या एक से अधिक पर्वत, कई सारे पर्वत। तो इसी का कई सारे पर्वत है यहां पर, और उन्हीं कई सारे पर्वतों में एक पर्वत है जिसका नाम है आपका कोटोपैक्सी। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी किस देश में है? इक्वाडोर में है। नीचे बढ़ते आइएगा, तो नीचे जब बढ़ेंगे तो यहां पर मकर रेखा गुजरती है यहां से, और यहां पर एक मरुस्थल है, यहां पर एक मरुस्थल है। महाद्वीप के पश्चिमी भाग में प्रशांत महासागर के किनारे यहां पे मैंने मार्क किया है, और यहां पर जो मरुस्थल है इस मरुस्थल का एक नाम है, और इस मरुस्थल का नाम है अटकामा। मरुस्थल का नाम अटकामा मरुस्थल, इस मरुस्थल का नाम है अटकामा मरुस्थल। अटकामा मरुस्थल से एक रेखा गुजरती है, और अटकामा मरुस्थल से जो रेखा गुजरती है उस रेखा का नाम है मकर। कौन सी रेखा गुजरती है? तो अटकामा मरुस्थल से मकर रेखा गुजरती है, याद रखिएगा, मकर रेखा गुजरती है। और मकर रेखा के ऊपर का पूरा क्षेत्र उष्ण कटिबंध में आता है, और मकर रेखा के नीचे का पूरा क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध में आता है, ठीक ना। तो यह जो अटकामा मरुस्थल है यह उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है, ठीक ना। उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है, कौन सा? अटकामा डेजर्ट। अटकामा डेजर्ट क्योंकि अटकामा डेजर्ट जो है चूंकि उष्ण कटिबंध में पड़ता है अधिकांश भाग इसका, इसलिए यह गर्म है। गर्म होने के साथ साथ यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल भी माना जाता है। तो अटकामा क्या हो गया? विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल, विश्व का शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। इसी अटकामा मरुस्थल में एक स्थान है जिसका नाम है अरीका। क्या नाम है? अरीका। और जो अरीका है यह विश्व का सबसे शुष्क शहर माना जाता है, विश्व का सबसे शुष्क शहर का नाम है अरीका। कहां पाया जाता है? अटकामा मरुस्थल में। कहां पाया जाता है? तो पाया जाता है आपके अटकामा डेजर्ट में, ठीक है ना। अटकामा डेजर्ट में पाया जाता है आपका अरीका। क्या पाया जाता है? आपका अरीका पाया जाता है अटकामा डेजर्ट में, ठीक ना। आपसे अगर देश पूछ लिया जाए तो देखिएगा यहाँ पे साफ साफ लिखा है चिली और पेरू की बिल्कुल सीमा पर बसा है, यानी चिली देश में है, जहां पे मैंने व्हाइट कलर से मार्क किया है, चिली देश में है अरीका, विश्व का सबसे शुष्क शहर, विश्व का सबसे शुष्क शहर अरीका। चलिए और देख लीजिएगा, मजा आ रहा है ना। चलिए यहां पर जो अटकामा मरुस्थल है, अटकामा डेजर्ट, कॉपर के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? कॉपर। यदि किसी मरुस्थल से सर्वाधिक मात्रा में हमें कॉपर या तावा की प्राप्ति होती है तो उस मरुस्थल का नाम है अटकामा डेजर्ट, अटकामा मरुस्थल, ठीक ना। अटकामा मरुस्थल पेरू और चिली की सीमा पर है, मकर रेखा गुजरती उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, और यहीं पर विश्व की सबसे शुष्क शहर है जिसका नाम है अरीका, और इस मरुस्थल से कॉपर या तावा नाम की धातु पाई जाती है। तावा नामक धातु यहां पर पाई जाती है, कौन से मरुस्थल में? अटकामा। आई होप समझ रहे होंगे आप बातें, समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यहां से जब और नीचे गुजरेंगे तो यहां पर एक पर्वत है, इसका नाम है ओजोस डेल सलाडो। क्या नाम है? ओजोस डेल सलाडो। चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर एक पर्वत है, इसका नाम है ओजोस डेल सलाडो। क्या नाम है? ओजोस डेल सलाडो। किस पर्वत श्रृंखला पर है? एंडीज पर्वत श्रृंखला पर है। ओजोस डेल सलाडो जो है
विश्व का एक मृत ज्वालामुखी पर्वत है, मृत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे ज्वालामुखी प्रक्रिया आज भी नहीं हो रही और भविष्य में भी कभी होने की संभावना नहीं है, तो उन्हें हम नाम दे देते हैं मृत ज्वालामुखी। क्या नाम दे देते हैं उन्हें? मृत ज्वालामुखी। ओजोन लेयर सलाडो के और नीचे बढ़ेंगे तो यहां पर एक पर्वत चोटी है, इस पर्वत चोटी का नाम है एकांकागुहा। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है एकांकागुहा। और जो एकांकागुहा है आपकी विश्व की, सॉरी दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम एकांकागुहा। क्या नाम है? एकांकागुहा। किस देश में? चिली देश में। किस देश में? चिली देश में। और नीचे बढ़िएगा तो यहां पर देखिएगा एक शब्द लिखा मिलेगा, पेंटागोनिया। यहां पर एंडीज पर्वत है, तो जब यहां से मानसून आता है तो एंडीज पर्वत मानसून को रोक लेता है, तो इस वाले भाग में वर्षा हो जाती है, लेकिन इस वाले भाग में वर्षा नहीं हो पाती है, इसलिए जो पेंटागोनिया वो सूखा रह जाता है। तो पर्वतों के सहारे जो वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो पर्वत जहां पर होगा, जिस ओर से मानसून टकराएगा वहां पर तो वर्षा होगी, और पीछे वाले भाग में वर्षा नहीं होगी, तो पीछे वाले भाग में जहां पर वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती उसे वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका का वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा है? तो आप बताएंगे पेंटागोनिया। दक्षिण अमेरिका का क्या है? वृष्टि छाया प्रदेश है, वृष्टि छाया प्रदेश। तो दक्षिण अमेरिका का वृष्टि छाया प्रदेश किससे कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का वृष्टि छाया प्रदेश पेंटागोनिया को कहा जाता है। पेंटागोनिया डेजर्ट भी है, और पेंटागोनिया एक मरुस्थल भी, सॉरी मरुस्थल भी और पठार भी है, डेजर्ट भी और प्लेटू भी है पेंटागोनिया। यहाँ पर पशुपालन किया जाता है, और पशुपालन में यहाँ पर भेड़ पालन सबसे ज्यादा किया जाता है, सीप पाली जाती है। ठीक है, अब चलिए इतना हो गया, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। समझ में आ रही ना चीजें? चलिए क्या हुआ इसे, यहां देखिएगा, यहां पे कुछ महत्वपूर्ण घास के मैदान है जो एग्जाम की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक घास का मैदान है पंपास, यहाँ पे ब्राजील में घास का मैदान है, और ब्राजील में जो घास का मैदान है इस घास के मैदान को नाम दिया जाता है कैंपोस। तो यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं लिख दे रहा हूँ कैंपोस, लिखा नहीं इसमें, चलिए मैं लिख दे रहा हूं। तो यहाँ पर एक घास के मैदान है, इन घास के मैदानों को नाम दिया जाता है कैंपोस। यहाँ पर एक नदी बह रही है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, और अमेजन नदी के क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, नाम यहाँ पे लिखा है सेल्वास, और यहाँ पर एक घास के मैदान है वेनेजुएला में जिसका नाम है लानोस। तो यहां से मकर रेखा गुजरती है, मकर रेखा के ऊपर वाला भाग जो है वो उष्णकटिबंध है, और नीचे वाला जो भाग है वो उपोष्णकटिबंध है। तो उपोष्णकटिबंध में यहाँ पर एक घास का मैदान है, तो उपोष्णकटिबंध में एक घास का मैदान है जिसका नाम है पंपास, और उष्णकटिबंध में तीन घास के मैदान है। ऊपर से देखते हैं तो यहाँ पर जो वेनेजुएला में घास के मैदान है इसका नाम है लानोस, यहाँ पर अमेजन नदी के क्षेत्र में जो घास के मैदान है इनका नाम है सेल्वास, और जो ब्राजील में है इनका नाम है कैंपोस। ठीक ना, हमेशा याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है जबकि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा कम होती है। तो यहां पर वर्षा कम होने के कारण उपोष्णकटिबंधीय जो फसल है वो गेहूं है, यहां पर गेहूं की पैदावार अधिक होती है। यहां तक कि जो पंपास घास के मैदान है अर्जेंटीना में है, और अर्जेंटीना में सर्वाधिक मात्रा में गेहूं उगाया जाता है, इसलिए अर्जेंटीना को दक्षिण अमेरिका का गेहूं का कटोरा कहते हैं, अन्न भंडार बोलते हैं दक्षिण अमेरिका का। पंपास किसके लिए जाना जाता है? गेहूं के लिए। और किस देश में पंपास घास के मैदान? तो पंपास घास के मैदान जिस देश में है उस देश का नाम है आपका अर्जेंटीना। कैंपोस जो घास के मैदान है ये ब्राजील में पाए जाते हैं, और कैंपोस घास के मैदान पर कॉफी की कृषि की जाती है, और यहां पर जो कैंपोस घास के मैदान में कॉफी की कृषि की जाती है, सामान्य तौर पर कॉफी की कृषि बागानों में की जाती है, लेकिन यहाँ पे बागान शब्द यूज न करके यहाँ पर कॉफी के बागानों को एक नाम दिया गया, और नाम दिया गया फजेंडा। तो कॉफी के बागानों को यहाँ पर किस नाम से जानते हैं? तो कॉफी के बागानों को यहाँ पे फजेंडा नाम से जानते हैं। किस नाम से? फजेंडा। ठीक है ना, पूरे विश्व में कॉफी उत्पादन में सबसे आगे जो देश है वो देश का नाम ब्राजील है।
लानोस घास के मैदान है, और एक लिख दे रहा हूं कैंपोस कहां पाए जाते हैं, ब्राजील में। उसके बाद सेल्वास, अमेजन नदी जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है अपना मुहाना अटलांटिक महासागर में बनाती है। अमेजन नदी से एक नदी नीचे से आके मिलती है जिसका नाम है मेडीरा। क्या नाम है? मेडीरा। तो मेडीरा नदी अपना पानी अमेजन नदी को दे देती है। विश्व में जितनी भी सहायक नदियां हैं जो अपना पानी किसी दूसरे नदी को दे दे उनको सहायक नदी बोलते हैं। तो विश्व में जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सभी सहायक नदियों में मेडीरा सबसे लंबी सहायक नदी है। उन सभी नदियों में मेडीरा नदी सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक ना। अमेजन नदी विषुवत रेखा के दक्षिण में बहती है, यानी विषुवत रेखा ऊपर है उसके नीचे बहती है अमेजन नदी। तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान होने के कारण वहां पे वर्षा अधिक होती है, और जहां पे वर्षा अधिक होती है वहां पर सदाबहार वन मिलते हैं। और अमेजन नदी के क्षेत्र में जो सघन और सदाबहार वन मिलते हैं उन सघन और सदाबहार वनों को एक नाम दे दिया सेल्वास। क्या नाम दे दिया? सेल्वास। तो सेल्वास जो है अमेजन नदी के क्षेत्र में पाए जाने वाले सदाबहार वन है। अमेजन नदी के क्षेत्र में पाए जाने वाले सदाबहार वनों को हम किस नाम से जानते हैं? हम सेल्वास नाम से जानते हैं। किस नाम से? सेल्वास। मुख्य रूप से रबर और चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अमेजन नदी जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, एंडीज पर्वत से निकलती है। एंडीज पर्वत से निकलने के बाद दो देशों में बहती है, पेरू, और पेरू के बाद कहां चली जाती है? तो पेरू के बाद चली जाती है ब्राजील, और ब्राजील से होते हुए अपना मुहाना बना देती है अटलांटिक महासागर में। कहां बना देती है? अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। चलिए इसको मिटा दें, बात क्लियर हो रही है ना। एग्जाम में टू द पॉइंट पूछा जाएगा, टू द पॉइंट बता दीजिएगा, श्योर आपकी सफलता मिल जाएगी आपको। श्योर है बिल्कुल एकदम 101%। चलिए यहां पर चलिए दूसरा मैप निकालते हैं। यहां पर ऊपर एक देश है आपको दिख रहा होगा, इस देश का नाम है सबसे ऊपर, देश का नाम है वेनेजुएला। यहां पर एक देश है और इस देश का नाम क्या है? देश का नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला देश में कैरेबियन सागर है ऊपर, तो वेनेजुएला देश में कैरेबियन सागर के तट पर एक झील है। वेनेजुएला देश में कैरेबियन सागर के तट पर एक झील है, जो यहां पर झील है इस झील का नाम है माराकाइबो। क्या नाम है इसका? तो झील का नाम है माराकाइबो झील। क्या नाम है? माराकाइबो झील है। माराकाइबो झील जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील। किस देश में है माराकाइबो? तो ये जिस देश में, उस देश का नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला एक ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका का जहां पे सर्वाधिक मात्रा में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के पाए जाने की घोषणा की गई, यानी यहाँ पे खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाएंगे इस बात की अनुमान, इस बात की घोषणा की गई है, ठीक ना। तो दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश जहां पे खनिज तेल प्राप्त किया जा सकता है वेनेजुएला। इसी वेनेजुएला में एक नदी बहती है, वेनेजुएला देश में एक नदी बहती है, नदी का नाम है ओरेनिको नदी। नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है ओरेनिको नदी। जब ओरेनिको नदी, यहाँ का क्षेत्र ऊंचा है, गुआना उच्च भूमि पर बहती है तो थोड़ा अपेक्षाकृत ऊंचा है, जब कोई नदी ऊंचे वाले पठार या पर्वतीय वाले क्षेत्रों से नीचे गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। क्या करती है? जलप्रपात का निर्माण। तो ओरेनिको नदी वेनेजुएला में बहती है और इस नदी के द्वारा एक जलप्रपात का निर्माण किया गया, और जिस जलप्रपात का निर्माण किया गया उसका नाम है एंजेल जलप्रपात। एंजेल जलप्रपात वेनेजुएला देश में है, और यह जो एंजेल जलप्रपात है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? एंजेल जलप्रपात, याद रख लीजिएगा, सीधा सीधा पूछा जाता है, ठीक ना, हो गया। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप था, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको सारे कराए। अब देखिएगा कि हमारा आयोग किस प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप या किसी भी महाद्वीप से क्वेश्चन पुटअप करता है, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा, ठीक है ना, ज्योग्राफी के जो मैप के क्वेश्चन है किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की स्थिति गोलार्ध पर क्या है?
जो हमारा गोलार्ध है उस पर पूछा जा रहा है। उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, उत्तरी दक्षिणी दोनों में, या पूर्वी गोलार्ध में है। तो मैंने आपको बताया है, अभी यही बताया था कि दक्षिण, आपको क्या याद रखना कि कौन सी रेखा गुजरती है, और मैंने बताया कि दक्षिण अमेरिका से विषुवत और मकर दो रेखाएं गुजरती हैं। अगर विषुवत रेखा गुजर रही है तो डेफिनेटली, यदि विषुवत रेखा गुजर रही है तो डेफिनेटली याद रखिएगा कि कौन सी, यदि विषुवत रेखा गुजर रही है तो डेफिनेटली याद रखिएगा कि यहां पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में। क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में, यानी जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वो उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में है। कहां पर है? उत्तर और दक्षिण दोनों गोलार्धों में है आपका कौन सा महाद्वीप, कौन सा महाद्वीप? दक्षिण अमेरिका। चलिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरा देखते हैं। अमेजन नदी का संबंध निम्न में से किस देश से है? मैं अभी अभी पढ़ाया आपको कि अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका के दो देशों में बहती है, एक का नाम है ब्राजील और एक का नाम है पेरू। तो बताइए कोई देश मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है, ये मिल गया आपको। कौन सा देश मिल गया? ब्राजील। तो अमेजन नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है उसका संबंध ब्राजील और पेरू दो देशों से है, ठीक ना। चलिएगा अगला देखते हैं। दक्षिण अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये भी पढ़ा है मैंने। तो दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो देश का नाम ब्राजील, और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा देश है उसका नाम है फ्रेंच गुयाना। पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, यूपी टर्पसी ने पूछा है आपके, ठीक ना। चलिए चौथा देखते हैं। तामा की प्राप्ति किस मरुस्थल से होती है? अटकामा, पेंटागोनिया, थार या सहारा? जो हमारा थार मरुस्थल है उससे किसी भी प्रकार की खनिज की प्राप्ति नहीं होती है, और ना ही सहारा से होती है, पेंटागोनिया से भी नहीं होती है, तो एकमात्र मरुस्थल, ठीक ना। तो इन चारों में जहां से कॉपर की प्राप्ति होती है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है अटकामा। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है अटकामा डेजर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कॉफी के बागानों को ब्राजील में क्या कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया है, यूपीपीसीएस आयोग के द्वारा भी, यूपी टर्पसी आयोग दोनों के द्वारा पूछा गया है, ब्राजील में कॉफी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्राजील में कॉफी के बागानों को किस नाम से जाना जाता है? फजेंडा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फजेंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा देश ब्राजील को स्पर्श नहीं करता? मैंने बताया है 10 देश हैं जो ब्राजील को स्पर्श करते हैं और 2 देश स्पर्श नहीं करते हैं। एक का नाम इक्वाडोर था और एक का नाम चिली था। तो इसमें इक्वाडोर और चिली में से कौन सा है? तो इसमें जो है इक्वाडोर और चिली में से, यहां पर चिली ऑप्शन है, तो चिली हो जाएगा, जो कि ब्राजील को स्पर्श नहीं करता है। समझ रहे ना? बस ऐसी सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे मैप से। दक्षिण अमेरिका का गेहूं का कटोरा कौन सा देश है? दक्षिण अमेरिका में कहां पर गेहूं अधिक उगाया जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का गेहूं का कटोरा जिस देश को कहा जाता है उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है अर्जेंटीना। देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना देश में क्या है? सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है अर्जेंटीना में। कहां पर उगाया जाता है? पंपास घास के मैदान में। कहां पर? पंपास घास के मैदान में। चलिए निम्न घास के मैदानों में से कौन सा बहन है? अभी अभी बताएं कि पंपास घास के मैदान जो है, पूछा गया क्वेश्चन है, पंपास घास के जो मैदान है वो उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, जबकि कैंपोस, लानोस और सेल्वास जो है वो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पंपास। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंपास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 की ओर। एंजल जलप्रपात जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, इसका संबंध किस देश से है? तो एंजल जलप्रपात जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, मैंने पढ़ाया है, इसका संबंध जिस देश से है उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है वेनेजुएला। उस देश का नाम क्या है? तो उस देश का नाम है वेनेजुएला देश। तो वेनेजुएला देश में क्या है? एंजल जलप्रपात है, ठीक ना। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। दक्षिण अमेरिका को उत्तर अमेरिका से जोड़ती है कौन सी नहर? दक्षिण अमेरिका को उत्तर अमेरिका से जोड़ती है तो कौन सी नहर? पनामा।
पनामा नहर जो है वो दक्षिण अमेरिका को उत्तर अमेरिका से जोड़ने वाली नहर है, इसको आप याद रख लीजिएगा, कई बार पूछा जाता है। दक्षिण अमेरिका को उत्तर अमेरिका से जोड़ने वाली नहर पनामा। स्वेज नहर कहां पर है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली है। कील नहर जर्मनी में और सू नहर आपकी यूएसए में है। कहां पर है? यूएसए में। चलिए, तो आज के जो सेशन के 10 क्वेश्चन थे और आपका जो आज का जो वर्ल्ड मैप था वो आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, ऐसे ही आपको और भी आगे की प्रक्रिया बताती जाएगी कि क्या होने वाला है। इसमें जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा है, टू द पॉइंट आपको पढ़ाया जाएगा, इसमें आपका सिलेबस समय से समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, और आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। ठीक ना, तो आज यही अपनी बाड़ी को मैं विराम देता हूँ। थैंक यू।